नया साल आपके लिए मुबारक हो, सुखदायक हो, लकी हो। नए साल में आप फिर से नए नए रेजोल्यूशंस बनाएं और उनमें से कुछ एक हफ्ते से ज्यादा भी चल पाएं। नए साल में आप व्हाट्सएप पर चैट करते हुए अपने बॉस की नजर में ना आए और आपको टेलीमार्केटियर्स के कॉल तो और भी कम आए। हेलो सर, हम आपको नए साल में पुरानी वाली गाड़ी नए दाम पर दे रहे हैं। नए साल में 50 नहीं बल्कि 10 सेल्फीज के बाद ही एक DP लायक फोटो मिल जाए। और हाँ, उस DP पर लाइक्स इतने आए कि आपके एक्स जल भुन जाए। नए साल में आपके एरिया की पावर कटिंग बोले तो लोड शेडिंग बंद हो जाए, आपको फुल डे लाइट मिले, उस पर बिल भी आधा आए, आपका स्कूटर एक ही किक में स्टार्ट हो जाए, आपका दूध वाला दूध में पानी कम मिलाए, पति को पत्नी और पत्नी को सास इशारों पर ना नचाए, और तो और नए साल में आपका पार्टनर खुद TV का रिमोट आपके हाथों में थमाए। और भाई, नए साल में चाहूंगा कि थोड़ा सा गुड लक मुझे भी मिले। आई विश कि इस साल पिछले साल से उल्टा होगा, मेरा वजन घटेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आई विश इस साल मैं अपनी बक 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 इतनी बढ़ाऊं कि अगर बक बक का ऑस्कर ना मिले तो कम से कम नेता तो बन जाऊं मित्रों। और पूरे साल आपका ये दोस्त आपके पास आए और कहे, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। एक सवाल 100 जवाब फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ। नए साल का जश्न है और इस जश्न को बनाने एक्स्ट्रा खास देखें कौन आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले बड़ी ही स्पेशल गेस्ट, हमारी पहली बटेरू छोटी सी नन्नी सी मुन्नी सी नहीं है, ये है छोटा पैकेज बड़ा धमाका, चिराग का जीनी भी कहे इनको आका, कॉमेडी की पिच की ये है धोनी। प्लीज वेलकम अलोंग विद हर फैमिली हमारी प्यारी जुलारी सल। क्या बात है, हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट टैलेंटेड सितारों में से एक आज हमारे साथ यहाँ पर है। सलोनी के लिए जोरदार तालियां, बहुत खूब बहुत खूब। थैंक यू सलोनी। भाई तुम तो बड़ी हो गई। सलोनी को हमने हमेशा से छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा ही देखा है और मेरे ख्याल से हम सबके जहन में वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी। और सलोनी तुमसे तो बहुत गंगू भाई सुना हमने, सही होंगे तो जी एक बार गंगू भाई आपके मुंह से। गंगू भाई तो मेरे को आता नहीं इतना। सलोनी और कौन है मम्मी के साथ बताएं, मिलवाएं। ये मेरे पापा है समीर। हाय समीर साहब, कैसे हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और ये मेरे मामा जयदीप। जयदीप जी वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई सलोनी का फॉर्च्यून तो हमेशा से चमकता आया है, देखते हैं कि आज फैमिली फॉर्च्यून में ये क्या गुल खिलाती है। वेलकम टू द शो। थैंक यू भाई। कॉमेडी की प्रिंसेस तो आ गई, अब कॉमेडी की क्वीन को भी बुला लेते हैं। भाई लता जी जब कॉमेडी करती है तो बड़ी ही भाती है। वेट अ मिनट, पर लता जी कॉमेडी कहां करती, वो तो गाना गाती है। पर ये खुराफाती लड़की उनके सुरों में लाफ्टर मिलाती है, ये जितना अच्छा गाती हैं उतना ही तेज कॉमेडी का रॉकेट चलाती हैं। और मैं खास तौर पे पर्सनली उनको वेलकम करना चाहूंगा मेरे गुरु के रूप में। प्लीज वेलकम माय उस्ताद माय गुरु पंडित सुगंधा मिश्रा एंड हर फ्रेंड। दोस्तों मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं महान पंडित सुगंधा मिश्रा के साथ कार्य कर चुका हूं। और मजाक मजाक में ही सही लेकिन सीरियसली भी ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसे आर्टिस्ट को मैंने बहुत कम देखा है जो संगीत में PhD कर चुकी है। जोरदार तालियां फॉर सुगंधा मिश्रा। और संगीत में PhD करने के बाद कॉमेडी के अंदर इन्होंने डॉक्टरेट भी हासिल की है। कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की सिंगर और हमारी सहेली, हमारी पार्टनर सुगंधा जी, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। थैंक यू सो मच। सुगंधा जी ये कौन सा परिवार ले आई आप अपने साथ में? अरे ये मेरा बहुत ही जानदार शानदार परिवार है। बहुत cool. ये मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, क्या नाम है नहीं हाँ पार्था। पार्था पार्था, और इन्हें प्यार से मैं पार्था ही बोलती हूँ। लोग कहते हैं कि आदमी वही होता है जो वो खाता है। इन्होंने कल रात को कैरेट केक खाया था जो साफ इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा कैरेट केक, पूरा केक। पार्था वेलकम टू द शो। और बताएं सुगंधा। और ये मेरी सखी सहेली तरन्नुम, इनका नाम ही बड़ा म्यूजिकल है। भाई आपकी डेली बेली फिल्म का एक गाना आपने बड़ा बेहतरीन से गाया था, मैं तो कहता हूँ उससे बढ़िया इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता भाई। तो आप शो के लिए दो लाइन है जरूर इरशाद। ये है कुछ ना दिखे तेरे सिवा।
कुछ भी ना दिखता है तेरे सिवा। बात है, क्या बात है भाई। तरन्नुम, ये गाना मैं आपकी तरफ से फैमिली फॉर्च्यून्स के जैकपॉट को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से आपकी भी नजर इस जैकपॉट पर टिकी हुई है। बहुत खूब। एंड सुगंधा की टीम से सबसे लास्ट वाले मेंबर को मैं खुद इंट्रोड्यूस कर दूं? बिल्कुल भाई। हिंदुस्तान के इस वक्त सबसे फाइनेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट में से एक, एक ऐसे कलाकार जिनको टीवी पे देखने में बड़ा मजा आता है, संकेत, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। थैंक यू भाई। संकेत, आपने हिंदुस्तान के सबसे पसंदीदा एक्टर, कॉलिंग एक्टर की वॉइसिंग करी है, और फरहान अख्तर से बेटर फरहान अख्तर की आवाज आप सुना देते हैं। एक हो जाए एक्टर, कॉलिंग एक्टर। मंत्रा जी, मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। सुगंधा जी, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। बबली, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बबली। थैंक यू सो मच। ऐसे ही तुम लोगों का फॉर्च्यून बनाते रहो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी बबली आपकी करता धरता है, तो आप सबको इनको हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा। गले मिलके जाइए, जाइए जल्दी से जाइए और इनको हैप्पी न्यू ईयर। जाओ 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 बबली, हैप्पी न्यू ईयर। देखो कितना प्यार फट रहा है। हा 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 हा, तालियां एवरीबॉडी। बहुत भाई, नए साल पर 12 बजे जैसे अपनों को विश करना जरूरी है गेम की शुरुआत में, वैसे ही रूल्स को समझना जरूरी है। अच्छे से समझ लेना, यहाँ पर पॉइंट्स बटोरना बड़ा ही है आसान। हमने 100 लोगों से एक सवाल पूछा और उस सर्वे से मिले जवाबों में से जो टॉप आंसर्स हैं वो हमने चुनकर बबली की प्लेलिस्ट में डाल दिए। और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिसका जवाब बबली की प्लेलिस्ट से मैच हुआ वो पॉइंट्स बटोरेगा, लेकिन जिसका जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुआ उसको ये आवाज सुनने को मिलेगी। भाई समझना समझाना हो गया, अब पॉइंट्स बटोरना शुरू करते हैं। और सबसे पहले राउंड के लिए दोनों ही टीम्स के दिग्गज खिलाड़ी यहां पर पहुंचने वाले हैं। भैया, क्या होता है जब एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट एक अनडिस्ट्रक्टेबल फोर्स से मिलता है? लेट अस वेलकम सलोनी एंड सुगंधा टू प्ले फैमिली फॉर्च्यून। वैसे तो आप लोगों ने बहुत वास्ट काम किया है, लेकिन आप दोनों अपने अपने खास किरदारों के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि सलोनी की गंगूबाई इतनी फेमस है कि सबने थाली बजानी गंगूबाई के लिए, और पंडित जी ने यानी कि सुगंधा जी ने पिछले कुछ दिनों के अंदर खास तौर पे जब लता दीदी ने खुद आपके परफॉर्मेंस की तारीफ करी, तब आपको कैसा लगा? मतलब अमेज्ड, अमेजिंग, और मतलब अनएक्सपेक्टेड। मैंने ये शायद, मुझे डर था कि कहीं पता नहीं कैसा लगे उन्हें तो, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मिल्की सांगला कर तुस। मैं तो कहता हूँ भाई, लता दीदी भी है, गंगूबाई भी है इधर, क्या होता अगर गंगूबाई लता दीदी के घर पे काम करने पहुंच जाती? सोची सिचुएशन, गो। सबसे पहले तो मैं आपके लिए शेर सुनाना चाहती है। जब जब घिरे बादल तेरी याद आई, वाह वाह तू करो, वाह 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 वाह। जब जब घिरे बादल तेरी याद आई, वाह। झुमके बरसा सावन तेरी याद आई, भीगी मैं फिर तेरी याद आई, अब नहीं रहा जाता, अब तो छतरी लौटा दे भाई। भाई तुम बहुत ही शरारती नटखट हो, अब तुम आ ही गई हो तो भाई लता बाई के लिए चाय बना दो। हाँ, लेकिन सामग्री मैं बताऊंगी। चीनी डालना थोड़ी कम, और पत्ती और भी कम, अब हिलाओ अपना बम। माहौल तो बना दिया, समा बांध दिया, अब समा बांधने का टाइम है बबली का। याद रखिए, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं उसके हम ढूंढ रहे हैं टॉप 7 जवाब। थैंक यू बबली। सलोनी, सुगंधा, ये जो आपके प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथ हैं, इनको आप बजर पे दबाएंगी, जो पहले बजर दबाएगा उसे पहले जवाब देने का मौका मिलेगा। अगर उसका जवाब टॉप जवाब रहा तो वो राउंड को आगे बढ़ाएगा, अगर टॉप जवाब नहीं रहा यानी सेकंड थर्ड कुछ रहा, यानी स्टिल देयर इज अ चांस कि टॉप जवाब दिया जा सकता है, तो दूसरे वाले के पास मौका जाएगा, फिर जिसका भी जवाब टॉप जवाब के सबसे करीब वो इस गेम को आगे बढ़ाएगा। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। भाई हाथ पीछे जिससे आप बजर दबाने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? पंडित जी, क्या बात है, सुगंधा जी ने बजर दबा दिया, बताइए। डाइनिंग प्लेट। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। यानी कि पंडित जी, अभी भी इससे बेटर चांस है।
आपने अगर कोई ऐसा जवाब दिया सलोनी जो दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे है तो मजा आ जाएगा। बताओ, हमने 100 लोगों से पूछा डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? खाना। ये देखो, ये मेरी खाती पीती बच्ची, इसको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डाइनिंग टेबल के ऊपर। बबली की प्लेलिस्ट पे विल लुकिंग फॉर फूड, खाना। ये एकदम नंबर वन जवाब दिया गंगूबाई ने। इसका मतलब ये राउंड ये आगे बढ़ाएंगे पंडित जी, मैं बाद में मिलता हूँ, चलिए आइए। सहयोगिता जी, 5 सेकंड का समय आपको भी मिलेगा। हमने 100 लोगों से पूछा डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? ग्लासेस। देखते हैं जवाब। समीर साहब, 5 सेकंड का समय, डाइनिंग टेबल पर आपको कौन सी चीज दिखती है? स्पून सेट्स। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। जयदीता, डाइनिंग टेबल पर आपको कौन सी चीज दिखती है? यूटेंसिल्स। देखते हैं भाई, जिनके अंदर दाल सब्जी वो सब होते हैं, यूटेंसिल्स। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे। हो सकता है जयदीप सर, लेकिन ये जवाब हमारे टॉप 7 के लिस्ट में नहीं है। सलोनी, डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? टेबल मैट्स, जिसको बकायदा सतरंगी सा हम बना देते हैं खाना खाते वक्त। मम्मी वो टेबल मैट्स पहले से लगा के रख देती है, क्योंकि हम आधे से आधा खाना टेबल को ही खिला रहे होते हैं, है कि नहीं बबली? गाइज, चांस है, आप लोग आपस में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। एक जवाब आपका होना चाहिए हमारे पास। सहयोगिता जी, वन मोर चांस, अगर एक और पंक्चर तो मैं उड़ चला। क्या है आपका जवाब? टिश्यू पेपर्स। टिश्यू पेपर्स भाई बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। सहयोगिता जी, वन मोर चांस, अगर एक और पंक्चर तो मैं उड़ चला। क्या है आपका जवाब? टिश्यू पेपर्स। टिश्यू पेपर्स भाई बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं? मैं आ गया। हेलो माय डियर पीपल्स, मैं आपके पास आया हूँ एक ऐसा जवाब लेने के लिए जो यहाँ प्लेलिस्ट पर हो, यानी कि 2रा, 6ठा या 7वां। मैं शुरुआत करूंगा संकेत से। संकेत, डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? सॉल्ट एंड पेपर। डॉक्टर साहब, आपका जवाब तो सही है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तरनुम, फ्रूट्स। पार्था, मैं आपसे भी पूछता हूँ, अचार की बोतल। सुगंधा जी, इनमें से कोई जवाब है अपना खुद का बताइए। सॉल्ट एंड पेपर। बबली, ये जवाब तुम्हारी प्लेलिस्ट पे अगर हो तो बता दो, ताकि हम लोग सब भांगड़ा कर लें। प्लीज बबली। ये रैगिंग कर रही है लड़की तुम्हारी, सारे के सारे पॉइंट्स यानी 65 पॉइंट्स आ गए सुगंधा आपके पास। लेकिन भाई कौन से जवाब रह गए? 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब और 2nd मोस्ट पॉपुलर जवाब इज, जोरदार तालियां एक दूसरे के लिए। थैंक यू सो मच बबली, वाह भाई वाह। पहले सवाल के बाद सुगंधा 65 पर। सलोनी की टीम ने अभी तक खाता नहीं खोला है, अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। और आगे बढ़ने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा संयोगिता जी और बिग मैन पार्था को। लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। ठीक है तू? दोस्त लोग जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। पहले हम लोग मिलते थे दिल से दिल मिला करते थे, फिर बीच में तोंद आ गई, इसलिए थोड़ी दूरियां बढ़ गई। लेकिन तोंद और तोंद। खैर भाई, जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 7 जवाब। थैंक यू सो मच बबली, ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा ट्रैफिक जैम होने का क्या कारण हो सकता है। हाँ, बड़े आराम से सहयोगिता जी ने बोले दबा लेने दो भाई, इससे पंगा क्यों ले। लाल दाढ़ी वाला आदमी रात को जिन्न बन के सपने में आएगा। पार्था, एक्सीडेंट। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे। नंबर 1 जवाब एक्सीडेंट। सहयोगिता जी, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। पार्था, आप चलिए, ये राउंड आप आगे बढ़ाइए। तरन्नुम, हमने 100 लोगों से पूछा ट्रैफिक जाम होने का क्या कारण हो सकता है। पास बायर्स, जो सड़क पे लोग चलते हैं, सड़क पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे उनकी अपनी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और गाड़ी आपको हॉर्न बजा तो आप उसको सारी एकदम योगा और गर्दन की मूवमेंट होने लग जाती है। मैं भी ऐसे कुछ करती हूँ। पासर्स बाय
जे वॉकर्स जो सड़क पे चलने वाले लोग रहते हैं उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। देखते हैं जब आप टॉप 7 की लिस्ट में नहीं है डॉक्टर संकेत जी। भाई ट्रैफिक जाम तो बड़े होते हैं और आपके अंदर जब अलग अलग एक्टर सवार होते हैं तो कुछ वैसा ही हालत भी हो जाए, अंदर से ट्रैफिक जाम नहीं हो जाता तो अलग अलग किस्म के एक्टर निकल रहे होते हैं कहाँ कहाँ से। अगर ऐसा हो जाए 3 कैरेक्टर अचानक से निकल रहे हो कैसे आपस में टकराएंगे बताओ। मंत्रा भाई बाबा मैं आपको खाली यही बोलना चाहता हूँ, तुमने 100 लोगों से पूछा है तुम थकते नहीं हो क्या एयरपोर्ट? अभी पहले पे ही रुक जा भाई, दूसरे पर हम आएंगे क्योंकि जितनी बार संकेत पे आएंगे हम उनसे बोलेंगे एक नए एक्टर की आवाज में हमें जवाब दे। तो बाबा की आवाज में ट्रैफिक जाम होने का क्या कारण हो सकता है? रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करना। हाउ आयरोनिकल, बाबा की आवाज में आपने ये वाली लाइन बोली। बिकॉज़ आई लव माय कंट्री आई रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वाले, देखते हैं जब आप बबली की प्लेलिस्ट पे आए या नहीं। इट इज देयर भाई, डॉक्टर की बात तो एकदम फिट हो गई, लेकिन अब सुगंधा आपकी बारी। कोई ऐसा जवाब जो यहाँ प्लेलिस्ट पे हो? गाय वगैरह, जानवरों के कारण। जानवर, जानवर। यही बात अगर कंगना बोल रही होती तो कैसे बोल रही होती? मुझे लगता है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ आज अगर मेरे आगे कोई गाय आ जाती है तो मैं उसे उठकर के प्रणाम करती हूँ। गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, यू नो। क्या बात है सुगंधा जी ने या कंगना जी ने, पता नहीं किसने कहा कि जानवरों के कारण गाय बैल जो हिंदुस्तान में काफी ज्यादा सड़क के बीच में आयुषी बैठ जाती है कि बस तुम अगल बगल से निकल जा मैं नहीं उठूंगी, आए कि नहीं बबली? ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे नहीं, इसका मतलब सलोनी जो पिछले राउंड में इन्होंने आपके साथ किया था ना, अब आपके पास मौका होगा, आप लोग आपस में डिस्कस कर ले। पार्था 100 लोगों से पूछे गए सर्वे में तेरे को क्या लगता है भाई? मुझे ये लगता है कि नाकाबंदी की वजह से, नाकाबंदी जो पुलिस नाकाबंदी होती है। देखते हैं जवाब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। पार्था 100 लोगों से पूछे गए सर्वे में तेरे को क्या लगता है भाई? मुझे ये लगता है कि नाकाबंदी की वजह से, नाकाबंदी जो पुलिस नाकाबंदी होती है। देखते हैं जवाब। ना केवल ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे था बल्कि साथ ही साथ इस जवाब के पीछे छुपा हुआ था 12,000 का स्पॉट प्राइज। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे जवाबों के पीछे स्पॉट प्राइजेस भी छुपे हुए हैं। पार्था को तो मिल गया, तरन्नुम तुम्हारा क्या होगा? ट्रैफिक जाम होने का क्या कारण हो सकता है? रोड कंस्ट्रक्ट जब हो रही होती है। बबली क्या ये रोड कंस्ट्रक्ट हुई प्लेलिस्ट पे? आई होप। इसका मतलब आहा संयोगिता जी खुश हो गई, ये सारे पॉइंट्स मुझे दे दे ठाकुर। देखते हैं आपके जवाबों में से कोई जवाब यहाँ प्लेलिस्ट पे है या नहीं। जयदीप सर आपसे सबसे पहले सवाल पूछूंगा, अंत में जवाब सलोनी आप ही को देना है क्योंकि आप है कैप्टन। बताइए जयदीप, हमने 100 लोगों से पूछा ट्रैफिक जैम होने का क्या कारण हो सकता है? पॉटहोल्स एंड बैड रोड कंडीशन। समीर साहब आपका जवाब क्या होता? रश आवर्स। संयोगिता? नंबर ऑफ व्हीकल्स। सलोनी इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का जवाब, हमने 100 लोगों से पूछा है ट्रैफिक जैम होने का क्या कारण हो सकता है? पॉटहोल्स। गड्ढे या पॉटहोल्स जो कि हिंदुस्तान की सड़कों पे काफी मात्रा में पाए जाते हैं, बट हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन पॉटहोल्स का, इसी के चलते आप मतलब आपके हर किसी के अंदर एक एक प्रभु देवा पैदा हो जाता है। पूरे एकदम तरीके से घूमता है आदमी, सो इट्स अ वर्कआउट इन अ वे। थैंक यू सो मच हिंदुस्तानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे अंदर के प्रभु देवा को जगाने के लिए। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। बहुत खूब सलोनी, पिछले राउंड में जो सुगंधा ने आपके साथ किया था वो आपने इनके साथ कर दिया। 43 पॉइंट्स आपके खाते में, वेल डन भाई। लेकिन कौन से जवाब हैं जो छूट गए? आई एम श्योर आप भी जो घर बैठे हैं ये जानना चाहते होंगे भाई आखिर ट्रैफिक जाम किन किन कारणों से होते हैं। 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब इज, 5वां मोस्ट पॉपुलर जवाब और 2nd मोस्ट पॉपुलर जवाब इज पॉल्टी ट्रैफिक सिग्नल्स। बहुत खूब, चलिए भाई यहाँ सुगंधा की टीम 65 पर, सलोनी 43 पर, 20,000 का जैकपॉट, ये दोनों पार्टीज में से किसको मिलेगा? अगले एपिसोड में देखिए
सुगंधा या सलोनी में से कौन जाएगा बिग मनी में? हमारा न्यू ईयर स्पेशल चल रहा है और ये दोनों यहाँ पर इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि भाई इतनी सारी मिमिक्री एक ही शो के अंदर, इट्स टू मच फन भाई। एक तरफ संकेत, जिनको आपने अपने रेडियो पर, टेलीविजन पर कमाल कमाल की आवाजें निकालते सुना है, और पंडित जी के बारे में तो क्या कहूँ मैं, इतनी नहीं, मैं तो केवल पांव छूने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इज्जत देते देते कितना प्यार भी बढ़ जाता है लोगों में। इन दोनों के गले में सरस्वती का तो वास है, साथ ही साथ न जाने और कितने कितने एक्टरों का भी वास है, तो मैं इन दोनों के साथ खेलता हूं एक रैपिड फायर मिमिक्री की। हो जाए, हो जाए, चलिए देखते हैं ये रैपिड फायर में इनकी आवाजें कैसी सुनाई देती हैं। शुरुआत आपसे होगी सुगंधा। ओके। कंगना रनौत, गैंग्स से पैक करने का जिम किया है मैंने। बाबा, अरे जुर्म किया है तो उसकी भरपाई दो अभी फिर। राखी गुलजार, बेटे वो तो करण अर्जुन देंगे ना, वो आएंगे तो देंगे। फरहान, देखो लोग भरपाई देंगे नहीं, मेरी अगली मूवी आ रही है, प्लीज डू वॉच। शर्मिला टैगोर, मैं तो अपने बेटे सैफू की फिल्म प्रमोट करूंगी। कैलाश खेर, धन्यवाद, एक गीत फट से पेश करूंगा। आप पेश कर। इस गेम की लत मोहे ऐसी लागी। भाग्यश्री, जानती थी कैलाश जी, होता है होता है, दोस्ती की है दीवानी तो पड़ेगी ही। सलमान, भाग्यश्री आइए तो सलमान। एंड ऑफ कोर्स एक ऐसी आवाज जिसके लिए आजकल सुगंधा जी बड़ी जानी जा रही है, लता दीदी। एक मैसेज देना चाहूंगी बेटा, सेव अर्थ बिकॉज दिस इज द ओनली प्लैनेट वेयर यू कैन गेट गर्ल्स। जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर संकेत एंड सुगंधा। आइए आइए आइए, वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। आवाजों की दुनिया के मजे तो हमने ले लिए, अब पहुंचते हैं हम उस राउंड की तरफ जो यहां पर किसी का भी पासा पलट सकता है। चलिए भाई बढ़ते हैं डबल मनी की ओर, जहां पर पॉइंट्स दुगने होने वाले हैं। किसका पासा पलटेगा, कौन आगे खिसकेगा, लेट्स फाइंड आउट। तरन्नुम एंड समीर, लेट्स प्ले डबल मनी। भाई याद रखिएगा, दो डबल मनी खेलने वाले हैं हम, यहाँ पर गेम तो वही है, वही सवाल मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स है वो दुगने हो जाएंगे, ठीक है? और जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ उसके हम ढूंढ रहे हैं टॉप 6 जवाब। हमने 100 लोगों से पूछा, पीने के अलावा पानी और किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तरन्नुम ने झपट्टा तो मार दिया, जवाब ऐसा दीजिए जो टॉप जवाब हो, किस चीज के लिए और पानी इस्तेमाल करते हो? पानी के लिए अल्कोहल। पीने के अलावा पानी और किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? शराब में मिला के क्या करती हो तुम पानी का? बबली, ये जवाब है तुम्हारी प्लेलिस्ट पे? समीर, ऐसा कोई भी जवाब जो यहाँ प्लेलिस्ट पे हो और ये राउंड आप आगे बढ़ा देंगे। आप पीने के अलावा पानी का और किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग। वॉशिंग क्या? खुद को नहलाने के लिए। देखते हैं जवाब धुला कि नहीं धुला। नंबर वन जवाब। चलिए आइए समीर साहब, वेल डन वेल डन। जयदीप साहब, 5 सेकंड का समय आपके पास भी। हमने 100 लोगों से पूछा, पीने के अलावा पानी और किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? भाई कुकिंग। क्या बात है, खाना तो बनेगा, बिना पानी के बन नहीं सकता, है कि नहीं बबली? बहुत गुड जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे। कैप्टन सलोनी, पीने के अलावा पानी और किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? भाई कपड़े धोना। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। वेल डन भाई, याद रखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर पॉइंट्स दुगने होते जा रहे हैं, 120 ऑलरेडी। संयोगिता जी, बर्तन धोना। देखते हैं ये जवाब है या नहीं। समीर साहब, पीने के अलावा पानी और किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? गार्डनिंग, बगीचों में पानी डालना। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। क्या बात,
जयदीप सर, 100 लोगों से पूछा गया पीने के अलावा पानी और किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज गिट्टी विट्टी में पानी डालते हैं ना भैया, दीवारें तर करने के काम आता है। देखते हैं, पहला पंचर हो चुका है। सलोनी, गाड़ी धोना। बबली, एक और पंचर। यानी कि गाइस आप लोग डिस्कस कर ले साहब, सारे पॉइंट्स लुटने वाले हैं। कोई ऐसा जवाब संयोगिता जी सोचिए। पोछा मारना। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। सुगंधा जी, पानी और कहाँ इस्तेमाल होता है भाई? संकेत भाई, हाथ मुंह धोना। तरन्नुम, फॉर ब्रशिंग टीथ। पार्था, लैट्रिन के लिए। सुगंधा, क्या आप इनमें से सहमत हैं या आप अपना खुद का ही जवाब देना चाहेंगी? एक्चुअली टॉयलेट। देखते हैं ये जवाब है या नहीं। पॉइंट्स, वेल डन। लेकिन 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 अभी एक चांस बाकी है। 221 का आंकड़ा पार हो सकता है, सो डोंट यू वरी। जयदीप और डॉक्टर संकेत, लेट्स प्ले डबल मनी। अब जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं, हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। बहुत खूब। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले बजर दबाना है। अगर आपका जवाब टॉप जवाब रहा तो ही ये गेम आप आगे बढ़ा पाएंगे। सो एम फॉर द टॉप जवाब। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, ऐसी कौन सी पहनने की चीज है जिसमें कुछ समय बाद छेद हो जाता है? गो संकेत। अंडरवेयर। बबली, कैन आई हैव योर, आई मीन टू से, कैन आई टेक अ लुक एट द अंडरवेयर प्लीज? टॉप जवाब। जयदीप, इसका मतलब ये राउंड ये आगे बढ़ा रहे हैं। आई सी यू लेटर। चलिए आइए डॉक्टर। डॉक्टर संकेत के बाद अब डॉक्टर सुगंधा की बारी। बड़ा ही गहरा सा सवाल है सुगंधा, कि ऐसी कौन सी पहनने की चीज है जिसमें कुछ समय बाद छेद हो जाता है? सॉक्स। भाई मोजा, यानी कि सॉक्स जवाब दिया है सुगंधा ने। ये जवाब सुगंधा, ये म्यूजिक जो आपने सुना, इसका मतलब ये कि इस जवाब के पीछे छुपा हुआ था एक स्पॉट प्राइस, 12,000 रुपए का स्पॉट प्राइस। वेल डन, नए मुझे खरीदना। पार्था, ऐसी कौन सी चीज है पहनने की जिसमें कुछ समय बाद छेद हो जाता है? कभी कभी ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं तो पतलून जरूर फट जाती है कि नहीं? बबली, बहुत खूब, इट्स देयर, एक भी पंक्चर नहीं, बहुत ही शानदार जा रहे हैं। लेकिन सारे पॉइंट्स आपके भी हो सकते हैं, सो डोंट यू वरी। तरन्नुम, बताओ तरन्नुम, ऐसी कौन सी पहनने की चीज है जिसमें कुछ समय बाद छेद हो जाता? शर्ट, टी शर्ट ऊपर का। कुछ लोग बड़े होते छोटे से अचानक से बड़े हो जाते हैं, किसी से गले मिलने के लिए जाते है कि नहीं? बबली, संकेत क्या फाड़ रहे हो इस बार? ऐसी कौन सी पहनने की चीज है जिसमें कुछ समय बाद इतने छेद हो जाते हैं, इतने छेद हो जाते हैं? देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। डॉक्टर सुगंधा, जो कटघरे में इस वक्त खड़ी है, बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ समय पहनने के बाद जिसमें छेद हो जाते हैं? कुर्ता पजामा। साल में एक बार ही पहनता आदमी या दो चार बार पहनता, जो लोग रोज नहीं पहनते हो, ऐसे छेद होना हो, चूहे जरूर कतर के उसमें छेद कर देते हैं। पर्सनल लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, है कि नहीं? बबली, गाइस आप लोग आपस में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। 132 पॉइंट्स। पार्था, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, या तो कोई ऐसा जवाब जो इधर फिट हो या फिर मैं उधर चला। धोती। धोती में छेद, धोती में छेद। बबली, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर आ सकते हैं। जयदीप साहब, आप ही से शुरुआत है। ऐसी कौन सी पहनने की चीज है जिस पर कुछ समय बाद छेद हो जाता है? साड़ी। समीर साहब, बनियन। इनरवेयर ऑलरेडी देयर, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपका जवाब फाइनल जवाब नहीं था। संयोगिता, ब्लाउज।
लेडीज लोगों की तरफ से लेडीज वाला जवाब आया है। सलोनी साड़ी। साड़ी अगर बबली की प्लेलिस्ट पे हुई तो ये सारे पॉइंट्स सलोनी के। साड़ी के फॉल्स आज जरा मैच करके दिखाओ बबली। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। जयदीप साहब आप ही से शुरुआत है। ऐसी कौन सी पहनने की चीज है जिसपे कुछ समय बाद छेद हो जाता है? साड़ी। समीर साहब बनियन। इनरवेयर ऑलरेडी देयर, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपका जवाब फाइनल जवाब नहीं था। संयोगिता ब्लाउज। लेडीज लोगों की तरफ से लेडीज वाला जवाब आया है। सलोनी साड़ी। साड़ी अगर बबली की प्लेलिस्ट पे हुई तो ये सारे पॉइंट्स सलोनी के। साड़ी के फॉल्स आज जरा मैच करके दिखा बबली। लेडीज एंड जेंटलमैन, नए साल में सबसे पहले आगे बढ़ रही है सुगंधा की टीम फॉर द जैकपॉट विद 353 पॉइंट्स। लेकिन जल्दी से देखते हैं वो कौन से जवाब हैं जो बबली की प्लेलिस्ट पे छूट गए। भाई आखिर 100 लोगों से जब हमने पूछा ऐसी कौन सी पहनने की चीज है जिसमें कुछ समय बाद छेद हो जाता है, 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब वॉज। चौथा मोस्ट पॉपुलर जवाब इज Alright, Saloni, thank you so much for coming on Family Fortunes. आप खाली हाथ नहीं जा रही हैं, आपने जितने पॉइंट्स कमाए हैं इसके अनुसार आपने जीत लिए हैं 2150 रुपए के प्राइजेस और 12,000 का कॉन्सोलेशन। वेल डन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर गाइज। सुगंधा जी, बिग मनी में केवल दो पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलता है जो मिलकर जैकपॉट 20,000 के जैकपॉट के लिए लड़ेंगे और मेरे 5 सवालों का जवाब देंगे। बताइए आप में से कौन से दो आ रहे हैं? प्लीज मैम ओके पार्था। सुगंधा एंड पार्था, लेट्स प्ले बिग मनी। थैंक यू। आइए आइए भाई, बहुत कुछ नए साल में हर कोई बड़े इरादे, बड़ी उम्मीदें, बड़े प्लान्स और बहुत कुछ बड़ा बनाता है। जैसे बिग बनी अपने साथ 20,000 का जैकपॉट लाता है। 20,000 के जैकपॉट के लिए मैं इनसे पूछूंगा 5 सवाल, वो भी 5G की स्पीड से, और इन दोनों को मिलकर कमाने हैं 200 पॉइंट्स। तो बताइए भाई, बिग मनी में सबसे पहले कौन खेलने वाला है? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, चलो ठीक है भाई, सुगंधा से शुरुआत होगी बिग मनी खेलने के लिए। तुम तो पहले ही काफी बिग होते जा रहे हो, बाहर नए साल की मिठाइयां आई हैं, छुपा के रखने हैं तुम्हारे से, जल्दी जाओ जल्दी इससे पहले कि वो छुपा दे तुम्हें। जाइए 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 भाई, पार्था को तो हमने भेज दिया है क्वाइट रूम में जहां पर वो हमारी बातें सुन नहीं पाएंगे, लेकिन सुगंधा और हमारी बीच की बातें तो अब शुरू होंगी। तैयार है मैडम? तैयार है। सुगंधा जी, लेट्स प्ले बिग मनी। सुगंधा जी, मैं आपसे 25 सेकंड में 5 सवाल पूछने वाला हूं, और अगर कभी भी आपको कोई सवाल अटपटा सा लगे या समझ में नहीं आ रहा और आप अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहती हैं, आप पास कह सकती हैं, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊंगा। अगर अंत में समय बचेगा तो मैं वो सवाल दोबारा आपसे पूछने के लिए आऊंगा। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। ऑल राइट सुगंधा जी, बेस्ट ऑफ लक, ये रहे आपके सवाल, हैप्पी न्यू ईयर। हमने 100 लोगों से पूछा, अक्सर लोग न्यू ईयर किसके साथ मनाना पसंद करते हैं? फैमिली। आप डिनर कितने बजे करते हैं? 10। अपनी फेवरेट साउथ इंडियन डिश बताइए। डोसा। ट्रेन में आपको क्या दिखता है? चाय वाला। एक जानवर बताइए जिसके सींग होते हैं? अरे वो बुल। 25 सेकंड का सही इस्तेमाल किया आपने, देखते हैं कि आपने पॉइंट्स कितने कमाए। चलिए सुगंधा जी, आपने आज यहाँ पर 5 सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन क्या आपका नया साल मनेगा? देखते हैं। बबली जरा दोनों प्लेलिस्ट ओपन करिए। हमने सबसे पहले आपसे पूछा था, अक्सर लोग न्यू ईयर किसके साथ मनाना पसंद करते हैं? आपने कहा फैमिली के साथ। हमारे सर्वे ने कहा आप डिनर कितने बजे करते हैं? मैं तो 10 बजे बोला मैंने, लेकिन हाँ डिनर टाइम 10 बजे नहीं है। 10 बजे सुगंधा ने अगर 10 बजे कहा है, सुगंधा को मैं अच्छे से जानता हूँ, मतलब ये शूटिंग कितने भी बजे तक चलती रहे अपना डिनर जो है सुमड़ी में निपटा देती है। 10 बजे हमारे सर्वे ने कहा, अपनी फेवरेट साउथ इंडियन डिश बताइए। आप तो इतना अच्छे साउथ इंडियन खर थी,
आपका पिछला कैरेक्टर भी कुछ ऐसा था, उसी की जवाब उसी की आवाज में कुछ खाई दीजिए ना ना उड़ पे सुनना नूर उदड़ पे माधुरी दो देना जो भी आपने बोला। खैर देखते हैं आपने क्या जवाब दिया था। मैंने कहा था डोसा। डोसा। और हमारी सर्वे ने कहा ट्रेन में आपको क्या दिखता है? सबसे पहले ट्रेन में चढ़ते से इनको दिख गया चाय वाला। अब वो बेचते ना चाय ग्राम चाय ग्राम चाय ग्राम चाय ग्राम। देखते हैं भाई हमारी सर्वे ने क्या कहा। आखिरी सवाल था एक जानवर बताइए जिसके सींग होते हैं। आपने कहा बुल। बुल सांड होता ना। और हमारी सर्वे ने कहा और बुल ने ऐसे उछाल के फेंका सुगंधा को और वो पहुंच गई 134 पॉइंट्स पे, यानी कि पार्था को केवल 66 पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, विच इज नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आइए सुगंधा जी बुलाते हैं पार्था को। बिग पार्था कम ऑन ओवर। वेलकम वेलकम लेट्स प्ले बिग मैने। दूर से दूर। आपकी टीम ने 134 पॉइंट ऑलरेडी कमा लिए, यानी कि आपको केवल 66 पॉइंट्स कमाने हैं। ऑलराइट पार्था मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, वो इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा जवाब दिया जो पहले सुगंधा दे चुकी है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब आपको आपका जवाब बदलना है। यू हैव टू गिव अ फ्रेश आंसर। ऑलराइट पार्था 66 पॉइंट्स। यस मेक इट अ हैप्पी न्यू ईयर पार्था। ये रहे आपके सवाल। जी हमने 100 लोगों से पूछा अक्सर लोग न्यू ईयर किसके साथ मनाना पसंद करते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ। आप डिनर कितने बजे करते हैं? 9 बजे। अपनी फेवरेट साउथ इंडियन डिश बताइए। मेदू वड़ा। ट्रेन में आपको क्या दिखता है? पटरी पे लोग टट्टी करते हुए। एक जानवर बताइए जिसके सींग होते हैं। बैल। गेंडा। पार्था आइए देखते हैं आपने क्या गुल खिलाया। चलिए वो देखिए भाई लेफ्ट में कैप्टन डॉक्टर सुगंधा मिश्रा के जवाब 134 पॉइंट्स उन्होंने कमाए थे। वही सवाल मैंने आपसे पूछे आपके जवाब ने आपको कितने पॉइंट्स दिलाए। लेट्स फाइंड आउट। भाई अक्सर लोग न्यू ईयर किसके साथ मनाना पसंद करते हैं? आपने कहा गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स फॉर पार्था। देखते हैं हमारे सर्वे ने क्या कहा। By the way, family was the top answer. फिर उसके अलावा हमने सवाल पूछा था आप डिनर कितने बजे करते हैं? आपने कहा 9 बजे। आप जितने बजे शुरू हो जाए पार्था तू तो है ना। और भाई हमारे सर्वे ने कहा 179। By the way, 10 o'clock was the top answer, सुगंधा जी। अगला सवाल था अपनी फेवरेट साउथ इंडियन डिश बताएं। आपने कहा मेदू वड़ा। और हमारे सर्वे ने कहा By the way, इडली was the top answer. भाई 196, 4 points और ट्रेन में आपको क्या दिखता? आप खाने और निकालने के अलावा और कुछ सोचते क्यों नहीं है? बट एनीवे इन्होंने जवाब दिया कि ये ट्रेन के बाहर लोगों को हल्के होते देखते हैं। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वाह बड़ी गहरी सोच है आपकी। ओहो ये आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पूछा था एक जानवर बताइए जिसके सींग होते हैं। राइनोसरस। वी आर लुकिंग फॉर 4 पॉइंट्स फॉर द जैकपॉट। हमारे सर्वे ने कहा
कमर तोड़ हैप्पी न्यू ईयर हो गया, कमर तोड़ हैप्पी न्यू ईयर हो गया। इधर आओ, कोने में आओ, कोने में आओ, अपनी अपनी जगह बनाओ। क्या हो रहा है, गोल चक्कर क्यों काट रहे हैं हम लोग? ऑलराइट, आपने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आप घर लेकर जाएंगे 39,450 के प्राइजेस, 20,000 का जैकपॉट, 24,000 के स्पॉट प्राइस, 83,450। हैप्पी न्यू ईयर। अग भाई, हमारे यहाँ पे इतना बढ़िया जैकपॉट जीता हम लोगों ने, और गंगू भाई इधर नहीं आई है, अच्छी बात नहीं है। लेटेस्ट कॉल गंगू भाई, बैक ऑन द फ्लोर। सलोनी को जोरदार तालियों के बीच वापस बुलाएगा। आइए सलोनी, आइए आइए आइए, वेलकम बैक माय स्वीटहार्ट। थैंक यू, वेलकम बैक गाइस। भाई आज की शाम यहाँ से जीत और हार की नहीं, आज की शाम है नए साल की, और इसी उम्मीद के साथ कि भाई इन सब का, आपका, हमारा आने वाला साल बेहतरीन रहे, हम आपसे विदा लेना चाहेंगे आज की शाम। लेट्स हैव अ पार्टी। और जब भाई हमारे बीच में इतनी बेहतरीन गायिकाएं हैं, तो क्यों ना हो जाए, हो जाए तरन्नुम सुगंधा सरोनी, हो जाए। Who has the party tonight? सपनों के दिन है, सपनों की रातें। Who has the party tonight? Where's the party tonight? Where's the party tonight? On the dance floor. सपनों के दिन है, सपनों की रातें। Where's the party tonight? Welcome to the show. Jingle bell, jingle all the way. Merry Christmas, everybody. Christmas yani ki khushiyan, Christmas yani ki pyar, Christmas yani ki Santa, Christmas yani ki gifts. Bhai, is baar maine bhi Santa se gift manga. Maine kaha, Santa, zarurat hai. Ek Gunavati ki, Kalavati ki, Chulbuli ki. Santa bole, Salman ko ek nahi mil rahi, tujhe teen chahiye. मैंने कहा तीन तीन मत दो, थ्री इन वन दे दो, तीनों की खूबियां एक में भर दो। और सांता ने थ्री इन वन किया, ऑल इन वन पार्टनर मुझे दिया, द वन एंड ओनली बबली। मेरी क्रिसमस बबली, मेरी क्रिसमस। शॉक मारती है, बहुत लग गई। एनीवे, वैसे सांता और हमारा रिश्ता बड़ा ही अजीब सा है। बचपन में हम सांता का वेट करते थे, जवानी में सांता के होने पर डाउट करते थे, और जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम उनके लिए सांता का भेष बनाते हैं और खूब बुढ़ापे में अपने आप को सांता देखते हैं। क्या भाई, वैसे सांता जैसे ही कुछ काम हम भी यहाँ करते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्यार मस्ती और हंसी बांटते हैं और आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। एक सवाल सौ जवाब फॉर्च्यून्स बनाओ मंत्रा के साथ। भाई आज क्रिसमस है, यानी कि स्पेशल दिन, और स्पेशल दिन पर हमारा एपिसोड भी स्पेशल है, और हमारे आज के पॉइंट्स बटेरूस भी बड़े ही स्पेशल हैं। हमारे पहले बटेरू के बारे में मैं ये कहूँगा कि स्टाइल इनका सेकंड नेम है, धमाल और मस्ती इनका फेवरेट गेम है। ही इज कूल येट सेंटी, ही इज फंकी येट ट्रेंडी। प्लीज वेलकम विजय, एंडी एंड फ्रेंड्स। वेलकम टू द शो एंडी। भाई माशाल्लाह, इनके बारे में क्या कहें, बहुत समय पहले इनके साथ हमें काम करने का मौका मिला था। फ्रॉम द टाइम ही वॉज अ स्टाइल गुरु टू द मैन हु इज राइट नाउ मेकिंग स्टाइल स्टेटमेंट्स, एंडी यू आर द मैन। जोरदार तालियां फॉर अ गुड फ्रेंड है एंडी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स वेयर एवर एंडी गोज ब्यूटी फॉलोज, सो जी जी, जो आपके ये गुड लुकिंग फ्रेंड्स हैं इनसे मिलवाएंगे हमें। हाँ जी जी, ऑफ कोर्स। ये है टीना, इनकी हिंदी है थोड़ी खराब पर इनका दिल बहुत है साफ। बस दिल की बात कर दी आपने, बस मेरा भी काम हो गया। जरा दूर ही और आगे हैं रोहित, और अगर बत्ती बंद कर दो तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है रिंकू,
मत समझना इनको फालतू क्योंकि दूसरी टीम की कर दी गई है टिंक। ओए होए होए क्या बात है एंडी, सो कूल, गुड टू सी यू हियर इन फैमिली फॉर्चून्स। भाई आज जैकपॉट जीतने का कुछ चांस है? हां जी, हम जीत के जाएंगे राइट। हां यस, वी हियर टू विन, वी हियर टू विन, एंडी इज हियर टू विन। देखते हैं भाई इनको टक्कर देने के लिए कौन आ रहा है। भाई हमारी अगले बटेरू आहे बटोरती है, हाय हाय बटोरती है, क्योंकि इन्हें देखकर हर युवक के दिल से उफ आह और हाय हाय ही निकलती है। भाई युवकों के दिल पर राज है इसका नाम है इसका युविका। प्लीज गिव अ ह्यूज अप्लॉज फॉर युविका एंड फ्रेंड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई आज इन दोनों को यहाँ पर साथ में देखकर इतना अच्छा लग रहा है। युविका भाई आपको तो जब जब टीवी पे हम देखते थे आप उस बड़े से घर के अंदर बनते थी, हमको लगता था बस कुछ ऐसा हो जाए कि और कोई ना बस हम बंद हों साथ में कहीं। तो भाई कैसा लग रहा है आपको बाहर हवा में, खुली हवा में बाहर? बहुत अच्छा लग रहा है। घर के अंदर भी खुश थी बाय द वे। हां दैट्स ट्रू भाई, दैट्स ट्रू। सबसे कम लोग होते हैं जो अंदर जाके इतनी खुश नजर आते हैं। युविका ऑलवेज 32 इंच स्माइल के साथ रेडी। वेल युविका कौन कौन है अपने फ्रेंड्स इनसे मिलवाए? यस माय ब्रदर आकाश। आकाश हाय वेलकम टू द शो। अंजलि हाय अंजलि। अंबुज हाय अंबुज। उम्मीद करती हूँ ये लोग कुछ अपना टैलेंट दिखाएं आज, घर में तो मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो आज मैं चुपचाप रहने वाली हूँ, इनको देखने वाली हूँ कितना दिमाग यूज कर रहे हैं। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स एवरीबॉडी। भाई जैसे क्रिसमस के हैं अपने दस्तूर वैसे ही इस गेम के हैं अपने रूल्स, सो पे अटेंशन। भाई 100 बातों की एक बात, बबली की प्लेलिस्ट से मैच करो जवाब। हमने 100 लोगों से एक सवाल पूछा और उस सर्वे से मिले जवाबों में से टॉप आंसर्स हमने चुनकर बबली की प्लेलिस्ट में डाल दिए। अब वही सवाल मैं यहाँ इनसे पूछने वाला हूँ और जिसके जवाब बबली की प्लेलिस्ट में होंगे वो पॉइंट्स कमाएगा, लेकिन भाई जिसके जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुए वो ये आवाज़ सुनेगा, इसका मतलब आपका हो गया पंक्चर। तो भाई इस पंक्चर से बच के रहिएगा। गेम समझ में आ गया, आप गेम को शुरू करते हैं और दोनों कैप्टन्स को यहां बुलाते हैं। हाय हाय द ओ टू गुड लुकिंग पीपल युविका एंड एंडी, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। एंडी बहुत क्यों एंडी और अरे रे 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 रे, दोनों की मोहब्बत या साफ देखने लायक है। ऑल द बेस्ट एंडी। थैंक यू भाई। इन्होंने अब मैं भी कहूं हां नेवर आई डिडंट मे आई विन। थैंक यू थैंक यू, आई कैन लिसन समथिंग पॉजिटिव, आई विल विन। थैंक यू भाई। एंडी एंडी से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है, देखते हैं आज इनको कोई टक्कर दे पाएगा कि नहीं। जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं गाइस, वी आर लुकिंग फॉर द टॉप 7 आंसर्स। जो पहले बजर दबाएगा उसे पहले जवाब देने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर उसका जवाब टॉप जवाब हुआ तो वो गेम को आगे बढ़ाएगा, अगर नहीं तो दूसरे को मौका मिलेगा। फिर जिसका जवाब भी टॉप जवाब के सबसे करीब रहा दे विल गो अहेड एंड टेक कंट्रोल। ऑलराइट बेस्ट लक गाइस, हियर वी गो। हमने 100 लोगों से पूछा रणबीर कपूर की एक फिल्म का नाम बताइए। एंडी ने उस फिल्म का नाम लिया जो शायद रणबीर कपूर खुद भूल जाना चाहते होंगे, सावरिया। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। तो युविका नाउ इट्स इजी, अब तो इनका जवाब है ही नहीं प्लेलिस्ट पे। ऐसा कोई भी जवाब दीजिए जो प्लेलिस्ट पे हो और ये राउंड आप आगे बढ़ेंगे। बर्फी। बर्फी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म्स जो रणबीर कपूर ने, एक बार कैसे बोलता तो बर्फी बफी एंडी बहुत कूल। नो लुकिंग फॉर बर्फी बबली की प्लेलिस्ट पर। बर्फी यानी कि अर्फी। हम आपके साथ ये राउंड आगे बढ़ेंगे एंडी, आई विल सी यू लेटर। ऑलराइट भाई बर्फी। आकाश 5 सेकंड्स का टाइम आपके लिए। रणबीर कपूर आज के जमाने के सुपरस्टार, बहुत सी फिल्में कर चुके हैं वो, लेकिन जब हमने 100 लोगों से वही सवाल पूछा तो हमें जो टॉप 7 जवाब मिले उनमें से कोई एक जवाब देना है रणबीर कपूर की किसी फिल्म का नाम। गो। तमाशा। तमाशा दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की फिल्म। आकाश देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। वेल डन है भाई, है लोगों के जहन में ताजा है। सावरिया भले ही ताजा होना हो लेकिन तमाशा ताजा है। इसका मतलब यह है कि आप समझ गए कि जवाब किस किस्म के चाहिए हमें। अंजलि जी रणबीर कपूर की एक फिल्म का नाम बताइए। ये जवानी है दीवानी। बहुत गुड, अंजलि ने कहा ये जवानी है दीवानी। वंस अगेन दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर फिल्म। आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म में दिखाई दिए थे, कल्कि कोचलिन भी थी साथ में। वंडरफुल, देखते हैं जवाब पब्लिक की प्लेलिस्ट पर।
नंबर वन जवाब भाई अंबुज कितने डिप्स पे ले आज भाई ये सच्ची बता कितने डंड पे ले आया भाई आज वर्कआउट गया ही नहीं आज वर्कआउट नहीं गया फिर ये हालत है भाई बहुत बढ़िया लेकिन सच एन इंस्पिरेशन अंबुज बहुत को पीस कैरी ऑन 5 सेकंड्स का टाइम रणबीर कपूर की एक फिल्म का नाम बताइए रॉय ओए होए एक ऐसी फिल्म शायद रणबीर खुद भूलना चाहते होंगे मैंने कब की नहीं मैंने नहीं की देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं Not there. पहला पंक्चर हो गया. Three punctures and I'll come to you. Think about it. Yuvika, रणबीर कपूर की एक फिल्म का नाम बताइए. 5 seconds. कौन सी थी? यहाँ पर प्रेशर में आके लोग जवाब तक भूल जाते इतनी सारी फिल्में की रणबीर में एक भी नाम नहीं दे पाए सेकंड पंक्चर यानी कि गाइज यू कैन स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल राइट आकाश वन मोर चांस एक और पंक्चर और मैं चला मेरे दोस्त एंडी के पास रणबीर कपूर की एक फिल्म कम ऑन गाइस रणबीर कपूर इतनी फिल्में अजब प्रेम की गजब कहानी वेल डन बड़ी पसंद आई थी मुझे ये फिल्म रणबीर की देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर अंजलि 5 seconds हमारा अंजलि अरे वो फिल्म कौन सी है एंड अंजलि दैट टू इज ओवर टाइम अप शशि कपूर बन गया और मैं पहुंच गया एंडी के पास एंडी दिस इज अमेजिंग उन्होंने सारे पॉइंट्स कमाए 52 बट तुम उसे लूट सकते हो हम लूट सकते हैं मैं सबसे पूछूंगा बट फाइनल जवाब एंडी आपका अच्छा, होगा रिंकू बचना है हसीनो इज देयर बहुत खूब रोहित रॉकस्टार भी था टीना बॉम्बे वेलवेट amazing film lekin is that a very common answer I don't know Andy aapne samaria bol ke aap pichli baar phase the yaad rakhiye ji think about it inme se koi ek jawab ya apna khud ka jawab jo answer hai wo hai rockstar super duper hit film nargis fakhri ke sath mein jinhone ye film kari thi agar ye jawab bubbly ki playlist pe hua ye sare points 52 pahunch jayenge andy ke khate mein bubbly let's take a look And what do you know, Andy? ना केवल ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे, ना केवल सारे पॉइंट्स आपके, बल्कि इस जवाब के पीछे छुपा हुआ था 10,000 का स्पॉट प्राइज कांग्रेचुलेशंस। So lots and lots of जवाबों के पीछे स्पॉट प्राइजेस छुपे हुए हैं, so they could be yours. All right, बहुत सारे जवाब है जो नहीं रहे रणबीर अरे रणबीर आप भी देख रहे हैं ना हमारा शो आप भी सोच ही रहे होंगे कि यार कौन सी फिल्मों के नाम रह गए Would you like to know? Fifth most popular जवाब बेशरम जो बड़ी बेशर्मी से फिसल भी गई लेकिन तीसरा मोस्ट पॉपुलर जवाब वाज बच रहा है हसीनो वेल डन गाइस ऑल अराउंड थैंक यू सो मच बबली भाई पहले सवाल के बाद जो सारे पॉइंट्स युविका के होने थे वो अनफॉर्चुनेटली युविका से फिसल कर पहुंच गए फॉर्चुनेटली एंडी के खाते में 52 पॉइंट्स फॉर एंडी वेल डन युविका स्टिल हैज टू ओपन हर अकाउंट पर भाई अभी तो पहला गिफ्ट ओपन हुआ है देखते हैं सांता ने अगले गिफ्ट में किसके लिए क्या रखा हुआ है और दूसरे सवाल के लिए लेट्स कॉल अपॉन आकाश एंड टीना लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून्स आकाश वेलकम टू द शो टीना वेलकम टू द शो आपके साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करने में जो स्नेह की अनुभूति होगी उसकी तुलना संसार के समस्त आनंदों से नहीं की जाएगी मैं पूछ रहा था कॉफी और टी कॉफी आकाश भाई याद रखिएगा जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं उसके मैं ढूंढ रहा हूं टॉप 7 जवाब बजर पहले जो दबाएगा पहले जवाब देने का मौका मिलेगा बेस्ट ऑफ लक गाइस ये रहा आपका सवाल हमने 100 लोगों से पूछा घर में सबसे ज्यादा कौन सा फर्नीचर यूज होता है ये सब समझ गई इतनी देर से हिंदी में पूछे जा रहा हूं तब कुछ ना समझा इसको सोफा भाई ये सोफा पे बैठ गए जहां पर अधिकतर टीवी देखी जाती फिल्में देखी जाती हैं कई बार उसी सोफे पर फिल्में बन भी जाती हैं खैर देखते हैं भाई ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं वेल डन नंबर वन जवाब आकाश तुम शराफत में रह गए भाई ठीक है चलो वापस चलो टीना फॉलोइंग यू ऑलराइट रोहित हमने 100 लोगों से पूछा घर में सबसे ज्यादा कौन सा फर्नीचर यूज होता है अलमारी आपने कहा अलमारी भाई बहुत बड़े लड़कों की इतनी सी लड़कियों की इतनी बड़ी बहुत बड़े कभी कभार अगर अचानक से पापा या मम्मी घर पे आ जाए तो उसके अंदर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को छुपाने का भी आप काम कर सकते हैं देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर इट्स दैट 7th मोस्ट पॉपुलर जवाब अभी भी काफी ऑप्शंस बचे हैं रिंकू
डाइनिंग टेबल जिसपे खाना खा भी सकते हैं और भी बहुत कुछ चल सकता है। भाई देखते हैं आजकल शोपीस के लिए रखा जाने वाला डाइनिंग टेबल बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। वेल डन बड़ा सिंपल सा सवाल है, जनरल पीपल्स नॉलेज। एंडी, घर में सबसे ज्यादा कौन सा फर्नीचर यूज होता है? मैं तो सबसे ज्यादा बेड यूज करता हूँ सोने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया ऐसे थोड़ी ना बन गई। Exactly. हमारे जैसे लोगों के कारण बनी है। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। बहुत खूब। फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ? नाउ स्पेसिफिक आंसर्स टीना। घर में सबसे ज्यादा कौन सा फर्नीचर यूज होता है? शेल्व्स, जहाँ पर आप सजावट का सामान, किताबें, बहुत कुछ रख सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। ओहो भाई, हम जिन 100 लोगों से ये सवाल पूछ रहे थे उनको रहने के लिए घर मिल जाए वही बहुत है, किताबों को रखने के लिए शेल्फ तो बहुत दूर की बात है। रोहित, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, घर में सबसे ज्यादा कौन सा फर्नीचर यूज होता है? कुर्सी। घर में छोड़िए साहब, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है ये कुर्सी। किस्सा कुर्सी का, जिसके हाथों लग गई कुर्सी समझ लीजिए भाई देश की बागडोर उसके हाथों में। पर घर में ये कुर्सी आपको पॉइंट्स दिला पाएगी? केवल दो जवाब और बाकी, बट जैसे जैसे जवाब कम होने लगते हैं वैसे वैसे पंचर्स बढ़ते हैं। थिंक अबाउट इट रिंकू। मेरा रिंकू, न जाने मुझे क्या ऐसा लगता है कि आप उस आईने के सामने बहुत समय बिताती हैं। Rinku, like dressing table mirror, I mean, not right, like cool. the mirror. You said mirror. Table. Let's find out. ये जवाब है या नहीं? Not there, guys. आप लोग आपस में discuss कर ले। एक और puncture on मैं यूं आया आपके पास। Back to Andy. Andy, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, पांचवा या छठा, घर में सबसे ज्यादा कौन सा फर्नीचर यूज होता है? Chest of drawers. देखते हैं drawers. वो मायावी ड्रॉज जिसके अंदर सारी घूमी हुई चीजें मिल जाती हैं बबली की प्लेलिस्ट पर। Is there well done? यानी कि जस्ट वन मोर आंसर या वन मोर पंक्चर। टीना, योर आंसर, पंक्चर या जवाब, क्या देंगी आप? I would say shoe rack. Spoke like a diva, didn't you? यहाँ दो बाय दो का घर नहीं मिल रहा सर छुपाने के लिए, लेकिन जूतों को और सैंडल्स को रखने के लिए शू रैक ढूंढा जा रहा है बबली की प्लेलिस्ट पर। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। टीना, योर आंसर, पंक्चर या जवाब, क्या देंगी आप? आई वुड से शू रैक। स्पोक लाइक अ डीवा, डिडंट यू? यहाँ दो बाय दो का घर नहीं मिल रहा सर छुपाने के लिए, लेकिन जूतों को और सैंडल्स को रखने के लिए शू रैक ढूंढा जा रहा है बबली की प्लेलिस्ट पर। ऑलराइट गाइस, दैट वाज अमेजिंग। यानी कि दो बार दोनों स्कोर्स में एक ही टीम ने बाजी मारी, एंड दैट इज एंडी विद 151 पॉइंट्स। भाई युविका ने अभी तक के अपना खाता नहीं खोला, पर ये तो थी अब तक की कहानी, मगर आगे याद आएगी इनको नानी, क्योंकि अब आएगी डबल मनी जो किसी एक को सेंटा की तरफ 20,000 के जैकपॉट तक पहुंचाएगी, तो किसी को रेनडियर पे बिठा के घर छोड़कर आएगी। सो डबल मनी यानी कि गेम वही, सवाल एक ही पूछा जाएगा लेकिन पॉइंट्स हो जाएंगे डबल। और डबल मनी के लिए आईड लाइक टू कॉल अपॉन रोहित and Anjali. Let's play Double Money. Anjali, hul de rahi hai tu Rohit ko? Hello Rohit. Maine hul dene ke liye bola hello. Ye buzzer dabane ke baad jisne pehle jawab diya wo is round ko aage badha sakta hai. Jo sawal main puchunga uske dhoond raha hu main top 6 jawab. Bubbly. There we go. Humne 100 logon se pucha, aksar sare rishtedar किस ओकेजन पर मिलते हैं? हाँ रोहित, वेल डन। सॉरी अंजलि, दिवाली त्योहार। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। बाय द वे, आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पॉइंट्स डबल होते जा रहे हैं। अंजलि ऐसा जवाब दे दो जो टॉप जवाब हो और ये राउंड तुम आगे बढ़ाओगी। इसी दिन के लिए अंजलि तुम पैदा हुई थी, इसी पल के लिए सिद्ध कर दो तुम कि तुम अंजलि हो। शादी। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट में है या नहीं।
वापस चुपचाप वापस चले गए, उनसे उनको रुकते ही नहीं बना। अंजलि चलो आओ मैं तुम्हारा पीछा करूं। अंबुज यप। अक्सर सारे रिश्तेदार किस ओकेजन पर मिलते हैं? जब कोई मर जाता है। तो बोल ही रही थी ना शादी। नेक्स्ट शादी के बाद वाला। भाई खुदा ना खास्ता कभी किसी के घर पे कोई मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस दिन आदमी जरूर मिलने जाता है, क्योंकि इंसान ने जिंदगी में जो किया हो, उसको जितनी भी गालियां पड़ी हो, जिस दिन वो जा रहा होता है ना, लोग ये कहने जरूर आते हैं अच्छा आदमी था, समय के पहले चला गया। चलिए देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब। All right, Yuvika, your chance. हमने 100 लोगों से पूछा अक्सर सारे रिश्तेदार किस ओकेजन पर मिलते हैं? जन्मदिन, बर्थडे, जब पूरी दुनिया टूट पड़ती है आपको याद दिलाने के लिए कि आप एक और साल बूढ़े हो गए हो। खैर भाई होता है, आप या तो सेलिब्रेट कर सकते हैं या दुखी हो सकते हैं। आई सजेस्ट यू सेलिब्रेट बर्थडे। आकाश, न्यू बॉर्न मेंबर इन फैमिली। जब भी भाई परिवार में कोई नया नन्ना मुन्ना सा आता है तो उस पर नजर डालने के लिए सारे रिश्तेदार टूट ही पड़ते हैं। ले इसकी नाक चाचा की तरह है, इसके कान मामा की तरह है, इसकी आंखें पापा की तरह आ रहे। तुम बच्चा बना रहे हो कि आइसक्रीम बना रहे हो इतने अलग अलग फ्लेवर्स डाल के? देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। गाइस आपस में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक और पंक्चर एंड आई विल कम टू यू। जरा सोचिए, यू गाइस कैन डिस्कस। ऑलराइट, आकाश के बाद अब बारी अंजलि की। अंजलि, यही वो दिन है जिस दिन के लिए तुम पैदा हुई थी, बचा लो अपनी टीम को। अक्सर सारे रिश्तेदार किस ओकेजन पर मिलते हैं? जब कुछ इमरजेंसी हो फैमिली में, कोई बीमार हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे कुछ मेडिकली कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाए। क्वाइट एन आंसर, क्योंकि इमरजेंसी पर जब ऐसी सिचुएशन आती है तभी परिवार का काम पड़ता है, तभी परिवार क्या है समझ में आता है। देखते हैं अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो ठीक है, वरना मैं चला एंडी के पास। बबली, माय फ्रेंड्स, वंस मोर यू गाइस हैव अ चांस। जो कुछ उनके पॉइंट्स है वो आप लूट सकते हैं। थर्ड, फिफ्थ या सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब। रिंकू, एनिवर्सरी, दैट्स गुड। रोहित, जब सी ऑफ करना होता है एयरपोर्ट पर। गुड वन। एंगेजमेंट, engagements, that's also good. Wow, quite a few options, Andy. 5 seconds, go. मेरा आंसर है engagement पे। Engagement, शादी के पहले वाला जो occasion रहता है, जहाँ पे या रोका भी कहते हैं कई सारे लोग। भाई अगर ये जवाब बबली की playlist पे हुआ तो ठीक, वरना युविका ने promise किया। युविका, Andy की तरह अपन आप भी जाते हैं। I wish, I really want to come. देखते हैं, all right, who's gonna fly? Is it gonna be Andy? Is it gonna be Yuvika? Bubbly, engagement होती है क्या? चलिए कम से कम खाता खोला युविका ने और युविका के टीम के पहुंच गए 134 पॉइंट्स। बट कौन से ऐसे ओकेजंस हैं जब रिश्तेदार अक्सर मिला करते हैं? सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब वाज जब एक साथ सारे परिवार वाले मिलकर कहीं आउटिंग पे जाते हैं या पिकनिक पे जाते हैं। फिफ्थ मोस्ट पॉपुलर जवाब भाई एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई और रिंकू वहां पे उछल रही जरा सी जान, खुदा मेहरबान, उछल उछल के लंबी हो जाएगी। तीसरा मोस्ट पॉपुलर जवाब वेल डन गाइस एवरीबॉडी, वेल डन भाई। डबल मनी के पहले राउंड के बाद अब युविका 134 पर, एंडी 151 पॉइंट्स पे। बट डोंट यू वरी, क्योंकि अभी एक और राउंड बाकी है जिसके बाद डिसाइड होगा हु गोज टू बिग मनी। अंबुज एंड रिंकू, लेट्स प्ले डबल मनी। भाई बहुत खूब। अंबुज एंड रिंकू, हम जो सवाल आपसे पूछने वाले हैं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। थैंक यू बबली, बेस्ट ऑफ लक गाइस, हियर वी गो। हमने 100 लोगों से पूछा किस चीज के बिना आपका टीवी नहीं चल सकता। टू लेट रिंकू, केबल। इन्होंने कहा केबल, जो वायर जिसके ऐसे ऐसे गुत्थे पे गुत्थे गुत्थे पे गुत्थे बने रहते हैं आपकी खिड़की के बाहर। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। केबल्स एंड वायर है बट स्टिल नॉट द टॉप आंसर। रिंकू, किस चीज के बिना आपका टीवी नहीं चल सकता? इलेक्ट्रिसिटी।
लड़की चाचा चौधरी का फीमेल रूप है. एंडी आपने कभी चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है? नहीं. लग रहा था. रिंकू आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी. बबली तुमने कभी चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है? No. नहीं. क्या हो गया है आज? बाय द वे वेरी वेल डन. ना केवल यह जवाब वहां पर बबली की प्लेलिस्ट पे था बल्कि साथ ही साथ 10,000 रुपए का स्पॉट प्राइज आपके नाम. वेरी वेल डन. कांग्रेचुलेशंस. आइए लेट्स गो अंबुज. ऑलराइट एंडी जब टीवी पे आते हैं तो कुछ भी हो जाए बिजली हो या ना हो लोग कुछ ना कुछ करके टीवी चालू कर ही लेते हैं. बट ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आपका टीवी नहीं चल सकता? आई थिंक आजकल DTH टीवी चलता है तो डिश. जो सेट टॉप बॉक्सेस रहते हैं जो ये छतरियां रहती हैं सेट टॉप बॉक्स पे. सेट टॉप बॉक्सेस देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर. वेल डन. बहुत खूब. नॉट अ सिंगल पंक्चर. गाइस जो भी ये राउंड जीत रहा है वो बिग मनी की ओर जा रहा है. टीना हमने 100 लोगों से पूछा किस चीज के बिना आपका टीवी नहीं चल सकता? द रिमोट कंट्रोल. ब्यूटीफुल. व्हाट एन आंसर भाई. और रिमोट घर में किसके हाथों में रहता है ये तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है. एंडी हु हैंडल्स द रिमोट एट योर होम? मेरे घर में रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होता है हमेशा. और मेरे ना 6-7 हैं तो मेरे हाथ बहुत भारी हो जाते हैं. एक ट्रे ले आता हूं मैं से. क्या बात है भाई. रिमोट कंट्रोल बबली की प्लेलिस्ट पर. पांचवा और छठा. रोहित स्विच. लड़का भी चाचा चौधरी है. वेरी वेल डन. यू सेड स्विच. लेट्स टेक अ लुक. मेरी चाची चौधरी रिंकू टीवी प्रोग्राम्स. तुम चाचा चौधरी से चाची 420 कैसे बन गई अचानक से? देखते हैं भाई. बिना टीवी प्रोग्राम के टीवी नहीं चल सकता. बबली एंडी भाई किस चीज के बिना आपका टीवी नहीं चल सकता? क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ तो आएगा मेरे दिमाग में पर कैमरा. कैमरा के अगर वो नहीं बनेगा तो उसमें कैसे जाएगा? ये बिल्कुल मैं गलत बोल रहा हूँ. कोई बात नहीं एंडी. फैमिली फॉर्च्यून्स पर पहुंच के अच्छे अच्छों की जबान फिसलने लगती है. कैमरा. बबली बबली आवाज सुनाओ जरा. Guys, you can discuss आपस में. हमने 100 लोगों से पूछा किस चीज के बिना आपका टीवी नहीं चल सकता. टीना. Okay, if you don't have food. 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 खाने के बिना. बिना खाने के. Weather. We'll have to take your first answer. अरे यार. टीना ने कहा है भाई food खाने के बिना. भाई टीवी भी आपकी बीवी की तरह है उसे भी खिलाते पिलाते रहना चाहिए. टीवी को बोले पराठा खाएगा आज तू टमाटो केचप लगा के. देखते हैं ये पराठा खाने वाला टीवी बबली की प्लेलिस्ट पर. एंडी क्वाइट प्रेडिक्टिव. ऑल राइट युविका मैं कहा था ना आप मुझे खींच के ले आएंगे अपने पास. याद रखिएगा गाइस 186 पॉइंट्स. हूएवर विंस दिस अगर ये जवाब इन लोगों ने दे दिया जो वो एक बचा हुआ है तो ये गए बिग मनी की ओर. नहीं तो एंडी बल्ले बल्ले. मैं कहा था ना आप मुझे खींच के ले आएंगे अपने पास. याद रखिएगा गाइस 186 पॉइंट्स. हूएवर विंस दिस अगर ये जवाब इन लोगों ने दे दिया जो वो एक बचा हुआ है तो ये गए बिग मनी की ओर. नहीं तो एंडी बल्ले बल्ले. अंबुज हमने 100 लोगों से पूछा किस चीज के बिना आपका टीवी नहीं चल सकता. ह्यूमन. चलाने वाला कोई चाहिए. चलाने वाले का. बहुत खूब. अंजलि स्पीकर्स. टीवी देख के क्या करेंगे स्पीकर्स अगर टीवी के नहीं चल रहे तो. आकाश टीवी अगर खराब हो तो. ठीक है ओके. थिंक अबाउट इट जीविका. स्क्रीन होना चाहिए. स्क्रीन के बिना जो ठीक है बाहर जो कांच लगा रहता है जो पिक्चर ट्यूब रहता है या वो जो स्क्रीन रहता है उसके बिना टीवी नहीं चल सकता. बात तो बिल्कुल सही है पर क्या ये बबली की प्लेलिस्ट पे है? अगर होगा तो हैप्पी साइड अगर नहीं तो वो होगा हैप्पी साइड. बबली
आइए एंडी, आइए द विनिंग टीम जो जा रही है बिग मनी की ओर। आप लोगों के चेहरे के भाव देखने लायक रहेंगे जब ये जवाब सामने आएगा। हमने 100 लोगों से पूछा किस चीज के बिना आपका टीवी नहीं चल सकता। बबली भाई, इसी के साथ अब आगे बढ़ने वाली टीम है एंडी की टीम विद 337 पॉइंट्स। एंडी आप सोच के रखें बिग मनी में आप में से कौन से दो खिलाड़ी खेलने वाले हैं। यू गाइस कैन डिस्कस इन द मीन टाइम। युविका थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन फैमिली फॉर्च्यून्स। आप लोगों ने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आप जीतते हैं 6700 के प्राइजेस और 10,000 का कॉन्सोलेशन प्राइज। वेल डन। All right, Andy, Captain Andy, आपको डिसाइड करना है बिग मनी में आप में से तो कौन से दो खिलाड़ी जा रहे हैं। मैं खेलूंगा और रोहित खेलेगा। All right, wonderful. Ladies, you'll have to wait because the boys are going to play big money. आइए boys, come on in. आइए रोहित, आइए Andy. भाई आज का दिन जितना बड़ा है ये राउंड भी उतना ही बड़ा है। This is a big money और a big money इनके क्रिसमस को कितना मेरी करेगा भाई ये तो इनके जवाबों पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि 20,000 के जैकपॉट के लिए मैं इनसे पूछूंगा 5 सवाल, वो भी 5G की स्पीड से, और इन दोनों को मिलकर कमाने हैं 200 पॉइंट्स। सो बॉयज डिसाइड करिए आप दोनों में से बिग मनी पहले कौन खेलने वाला। हाँ रोहित मैं खेलता हूं। आप खेल रहे हैं, ठीक है। सो एंडी भाई बाहर क्रिसमस की शाम है, चेक करके आओ वो सेंटर अब कहां तक पहुंचे, ठीक है। जैसे सारी शॉपिंग करनी है, आई विल जस्ट बी बैक। आप होकर आइए तब तक मैं इनसे सवाल पूछता हूं। गो फॉर इट एंडी। भाई एंडी को तो हमने भेज दिया एक क्वाइट रूम में जहां पर वो हमारी बातें नहीं सुन सकते, लेकिन रोहित तो तैयार है। आर यू रेडी रोहित? डेफिनेटली। लेट्स प्ले बिग मनी। भाई 25 सेकंड का समय आपके पास, 25 सेकंड में 5 सवाल पूछूंगा आपसे। अगर कोई सवाल अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है या जवाब अचानक से नहीं मिल रहा आपको, तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं दूसरे सवाल पर पहुंच जाऊंगा। अंत में समय बचेगा तो वो स्किप हुआ सवाल मैं दोबारा आपसे पूछने जरूर आऊंगा। 5 टोटल सवाल पूछने वाला हूं। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। आर यू रेडी रोहित? यस। बेस्ट ऑफ लक। ये रहे आपके सवाल। क्रिसमस सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सांता क्लॉस। लोग नहाते वक्त क्या यूज करते हैं? साबुन। कौन सा जानवर बहुत तेज भागता है? चीता। बॉलीवुड का एक पॉपुलर सरनेम बताइए। कपूर। पान बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कत्था। बड़े स्मूथली, बड़े कूलली आपने सारे जवाब दिए, और ये जवाब आपको कितने पॉइंट्स दिलाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। बबली ओपन द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच। भाई वहां नीले वाले सेक्शन में आपके जवाब आएंगे लिखे हुए, और उसके बगल में हम देखेंगे कि कितने पॉइंट्स आपने कमाए। ऑलराइट, सबसे पहला सवाल था क्रिसमस सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आपने कहा सैंटा क्लॉज। हमारे सर्वे ने कहा लोग नहाते वक्त क्या यूज करते हैं? आपने कहा था साबुन। साबुन। और हमारी सर्वे ने कहा कौन सा जानवर बहुत तेज भागता है? आपने कहा चीता। और हमारे सर्वे ने कहा बॉलीवुड का एक पॉपुलर सरनेम बताइए। आपने कहा कपूर। और हमारे सर्वे ने कहा पान बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? आपने कहा भाई कट्ठा। कट्ठा। बबली बताइए भाई सर्वे ने क्या कहा? भाई तूने तो एंडी का काम एकदम आसान कर दिया। 140 पॉइंट्स, यानी कि ओनली 60 पॉइंट्स रिक्वायर्ड, बट समटाइम्स वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। इज एंडी गोना डू इट? लेट्स फाइंड आउट। आइए रोहित, लेट्स कॉल अपॉन द मैन एंडी। राइट हियर, राइट हियर। आइए एंडी, लेट्स प्ले बिग मनी। कितने पॉइंट्स कमाए होंगे रोहित ने, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, इसलिए मैं इसको साथ में लेके आया था। मुझे लगता है इसने मैक्सिमम ही किए होंगे। आई थिंक अगर अकेला नहीं 200 कर गया होगा। भाई 200 से बस 60 पॉइंट्स कम, 140। वेल डन, वेरी वेल डन रोहित। इसका मतलब एंडी ऑल यू नीड इज 60 पॉइंट्स, 60 अंक। मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि आप हमारे मित्र हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा जवाब दिया जो पहले रोहित दे चुका है तो आपको सुनाई देगी ये आवाज, इसका मतलब आपको अपना जवाब बदलना है।
आपको अपना जवाब बदलना है, यू हैव टू गिव अ फ्रेश आंसर. हमारा समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर. Okay. अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है यू कैन पास मूव ऑन टू द नेक्स्ट. और अंत में समय बचेगा लास्ट दैट क्वेश्चन अगेन. ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक. ये रहे आपके सवाल. क्रिसमस सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सांता क्लॉज. ओ, क्रिसमस ट्री. लोग नहाते वक्त क्या यूज करते हैं? साबुन. पानी. कौन सा जानवर बहुत तेज भागता है? चीता. बॉलीवुड का एक पॉपुलर सरनेम बताइए. कुमार. पान बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पान का पत्ता. कौन सा जानवर बहुत तेज भागता है? कौन सा जानवर तेज भागता है? चीता. मॉन एंडी. घोड़ा. सिंधी, आपने अपने दिमाग का घोड़ा तोड़ा है. घोड़े. एंडी वेल डन. लेकिन क्या ये 60 पॉइंट्स के लिए काफी है? वील फाइंड आउट राइट बिहाइंड यू. आइए चलिए भाई एंडी, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते हम यहाँ पहुंच तो गए हैं. देखते हैं रेस जीत पाएंगे कि नहीं. बबली, दोनों प्लेलिस्ट ओपन करें. Take a look at that, Andy. ये वो जवाब हैं जो रोहित ने दिए थे. भाई सबसे पहला सवाल था क्रिसमस सुनते से ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है. आपने पहले कहा सांता क्लॉज, फिर आपने जवाब बदल के कहा क्रिसमस ट्री. आप कह सकते थे पार्टी, आप कह सकते थे हॉलीडेज, चॉकलेट, न्यू ईयर, पर आपने कहा क्रिसमस ट्री. और हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे सांता क्लॉज वॉज द टॉप आंसर, द मोस्ट पॉपुलर जवाब. लोग नहाते वक्त क्या यूज करते हैं? भाई आपने पहले भी कहा सोप, फिर आपने जवाब बदल के बोला पानी. बहुत सारे जवाब हो सकते थे, बॉडी वॉश, स्क्रब, शैम्पू. आपने पानी कहा और हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे सोप, साबुन जो आपने जवाब दिया था दैट वाज द टॉप आंसर. बेसिकली यू वर गिविंग ऑल द टॉप आंसर्स, लेकिन वो पहले पानी चुके. पानी के बगैर कौन नहाता, मुझे वो बताओ पहले. सोचो बारह लोग. आप लोग कैसे नहाते हो? हाँ एक सेकंड, शावर जेल लगाओ फिर रहन दो. अगला सवाल था कौन सा. अरे ये इस सवाल ने एंडी को बहुत परेशान किया भाई, कि कौन सा जानवर बहुत तेज भागता है. आपने सारे जानवरों की लिस्ट में से घोड़ा चुना है. You could have said tiger, dog, lion, deer, but you said a horse. Good answer. Let's see. हमारे सर्वे ने क्या कहा? Well, Andy. क्या हो रहा है? By the way, the top answer was cheetah. All right, 176, 24 points की जरूरत. Two more answers. Bollywood का एक popular surname बताइए. ना चोपड़ा, ना शर्मा, ना सिंह, ना खान, ना बच्चन. आपने कहा कुमार, विच इज ऑल्सो अ ग्रेट आंसर. दिलीप कुमार, मनोज कुमार, अक्षय कुमार. देखते हैं भाई ये बबली को मारेंगे या बबली इनको मारेंगी. और हमारे सर्वे ने कहा इट्स नॉट देयर. 100 लोगों से जब ये सर्वे में सवाल पूछा गया दे डिड नॉट नेम कुमार. बाय द वे खान वॉज द टॉप आंसर, जो आप दोनों में से किसी ने नहीं दिया. वन लास्ट आंसर, 24 पॉइंट्स नीडेड. कैन बी बिकॉज कथा इज डेफिनेटली नॉट द टॉप आंसर. पान बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? चेरी, गुलकंद, कथा. बहुत सारे जवाब थे. आपने वही चीज कही जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पान का पत्ता. बाय द वे सुपारी वॉज द टॉप आंसर. सुपारी वॉज द टॉप आंसर. पान. लेट्स टेक अ लुक. सर्वे ने कहा क्या बात है भैया, जैसा इन्होंने वादा किया था चार पान लगवाइए, वो भी बढ़िया चेरी डाल के, क्योंकि आज के विनर्स हैं एंडी एंड फ्रेंड्स. वेल डन.
आपने जितने पॉइंट्स कमाए उसके अनुसार आप जीत गए 36,850 के प्राइजेस. वेल डन. 20,000 का जैकपॉट, 20,000 के स्पॉट प्राइजेस, यानी कि 76,850 रुपीस के प्राइजेस. वेल डन भाई. जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल बेल रॉक. अब मेरे जाने का टाइम है क्योंकि यही टाइम दिखा रहा है क्लॉक, लेकिन मैं आऊंगा फिर बनाने के लिए फॉर्च्यून. सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फैमिली फॉर्च्यून्स. करो. नहीं नहीं नहीं, मेरा पंगा नेता या सरकार से नहीं, बैंकों के कारोबार से है. ये लोग होम लोन, स्टडी लोन, कार लोन ये तो देते, मगर सबसे इंपॉर्टेंट लोन नहीं देते. वो लोन जो आज हम लड़कों को सबसे ज्यादा चाहिए, गर्लफ्रेंड पटाओ लोन, गर्लफ्रेंड घुमाओ लोन, शॉपिंग कराओ लोन, आइसक्रीम खिलाओ लोन, मेकअप दिलाओ लोन, ब्रांडेड शूज दिलाओ लोन, उनसे मैचिंग हैंड बैग दिलाओ लोन, मोबाइल का टॉपअप कराओ लोन, उनके डॉगी के खर्चे उठाओ लोन. और मेरी इन मांगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं वो जिन्होंने ना सिर्फ यह आंदोलन को शुरू किया बल्कि प्यार का पूरा पंचनामा ही कर दिया. सो लेट्स हियर इट फॉर द टीम प्यार का पंचनामा 2 ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून. एक सवाल 100 जवाब, फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ. भाई हर मर्द का दर्द जिन्होंने किया बयां, प्यार का पंचनामा एक बार फिर करने वो आ रहे हैं यहाँ. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर कार्तिक, सनी, ओमकार एंड द प्रोड्यूसर अभिषेक पाठक. भाई क्या बात है, आज की शाम फैमिली फॉर्च्यून्स पर मैं हिंदुस्तान के सभी मर्दों की तरफ से बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भाइयों, भाइयों, मेरा भाइयों, ये इन लड़कों ने हर हिंदुस्तानी लड़के की दिल की बात को ऐसे सामने रखा है कि आंसू निकल आए. भाई वैसे तो हम सब बड़े अच्छी तरीके से इन सबको जानते हैं, लेकिन बताइए अभिषेक कौन कौन है आपके टीम में, इंट्रोड्यूस कराएं. ये कार्तिक, ओमकार और सनी. आज तो यहाँ पे धमाल होने वाला है. वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स. थैंक यू सो मच. भाई दिल में दर्द लिए मर्द तो आ गया, अब इस दर्द की दवा और दारू को भी बुला लेते. जिन्हें देख कर ये सारे जज्बात एक साथ कूद कूद कर निकल आते हैं. चलिए अब उन्हीं को यहाँ बुलाते हैं. लेट्स हियर इट फॉर नुसरत, सोनाली, इशिता जो आ रही है डायरेक्टर साहब यानी कि लव रंजन के साथ. भाई प्यार का पंचनामा 2 देख कर आए, पूरी की पूरी जनता केवल एक चीज कह रही है, मर्दों ने जो जाके मर्दों से गले लगे हैं, लेकिन लड़कियों के लिए क्या बात है भाई, यू गर्ल्स हैव रॉकेड. एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं. आज तो आपकी पूरी सेना यहाँ पर आमने सामने खड़ी है, आपने एक जगह कैसे ले ली? फाइनली मैं एक बार लड़कियों की साइड तो आया. हमने करवाने के लिए लगता है मुझे. जानबूझ के किया मेरे साथ, ये बदला ले रहे मेरे से. बहुत खूब लव. ऑफ कोर्स आपने प्यार का पंचनामा ये जो फ्रेंचाइज है इस बेहतरीन प्रॉपर्टी को एक अलग ही लेवल पर लेके गए, कांग्रेचुलेशन ऑन दैट. थैंक यू. और ये जो बड़ी खूबसूरत बालाएं आज यहाँ फैमिली फॉर्च्यून्स पर आई है, इनसे हमारे जरा रूबरू कराएं. नुसरत, सोनाली, इशिता, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स गर्ल्स.
भाई बहुत खूब, गर्लफ्रेंड्स के नए नए रूल्स तो बॉयफ्रेंड्स के नए नए एक्सक्यूज़, बट यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ मेरी बबली के रूल्स चलेंगे। भाई हमने 100 लोगों से एक सवाल पूछा और उनसे मिले जवाबों में से जो टॉप आंसर्स हैं वो हमने बबली की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। भाई अब वही सवाल मैं यहाँ आपसे पूछूंगा और जिसके जवाब बबली की प्लेलिस्ट में होंगे वो पॉइंट्स कमाएंगे, लेकिन जिसका जवाब बबली की प्लेलिस्ट में नहीं हुआ उसको सुनाई देगी ये आवाज, यानी कि आपका हो गया पंक्चर। तो अब पहले सवाल के लिए, अब पहले जवाब के लिए एक तरफ प्रोड्यूसर दूसरी तरफ डायरेक्टर, आओ खेले फैमिली फॉर्च्यून्स विद अभिषेक एंड लव। लव एंड अभिषेक यानी कि प्यार का पंचनामा पार्ट टू के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस वक्त फैमिली फॉर्च्यून्स पे मेरे साथ, और हम जो आपसे सवाल पूछने वाले हैं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब। भाई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में तो हमेशा क्रिएटिव डिफरेंसेस होते रहते हैं, सेट्स पे कई बार एक दूसरे का गला दबाने का भी मन करता होगा, बस उसी इंटेंसिटी के साथ ये बजर दबाना है आपको जो आपके सामने यहाँ पर है। जो पहले बजर दबाएगा उसे पहले जवाब देने का मौका मिलेगा, अगर उसका जवाब टॉप जवाब हुआ तो गेम उसके कंट्रोल में, अगर नहीं तो दूसरे को मौका मिलेगा, जिसका भी जवाब टॉप जवाब के सबसे ज्यादा करीब वो इस राउंड को आगे बढ़ाएगा। ऑलराइट, ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा एक लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता है। ओके अभिषेक जवाब। लड़की छोड़ के भाग जाए डेट के बीच में से। लड़की छोड़कर भाग जाए डेट के बीच में से। देखते हैं यह जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। यानी लव वेरी सिंपल, अब आपको कोई भी जवाब देना जो इस प्लेलिस्ट में, लड़कियों को सब पता है फैमिली फॉर्च्यून्स के बारे में। एंड ये राउंड आप आगे बढ़ाएंगे। हमने 100 लोगों से पूछा एक लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता है। लड़की थप्पड़ मार दे। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। नंबर वन जवाब, भाई प्यार का पंचनामा का डायरेक्टर है, इसे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा यार। लेट्स गो, ये राउंड आप आगे बढ़ेंगे। अभिषेक आई विल सी यू लेटर। चीकू कैसी? चीकू चीकू तो चीकू की तरह ही है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी मालूम पड़ जाएगा। चलो, हमने 100 लोगों से पूछा एक लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता है। उसका एक्स आ जाए, मतलब बेस्ट एक्स लड़की का, लड़के का। छुटकी मैंने बोला था कि एक लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता, आपने कहा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सामने आ जाए। लेट्स फाइंड आउट बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब है या नहीं। नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। चलिए, यानी कि हमने अब यही सवाल आपसे पूछना है कि हमने 100 लोगों से पूछा एक लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता है। आई थिंक अगर लड़की ज्यादा महंगा खाना ऑर्डर करे लड़के के बजट से ज्यादा और उसके पैसे खत्म हो जाए। कि लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता है कि उसका ज्यादा खर्चा करवा दे लड़की। लेट्स फाइंड आउट ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। लेकिन जो 100 लोगों से हमने सर्वे किया था उनमें नहीं था, उसके टॉप 6 जवाबों में नहीं और शायद और शायद इन्होंने प्यार का पंचनामा पार्ट 2 अब तक के शायद ना देखी हो। खैर, इशिता आए हैं आपके पास, बड़ी आप सेंसिबल से आपने कैरेक्टर जो प्ले किया जिसके बाद आपने जो फूट डाली है लड़कियों के बीच में। yes. कुछ ऐसे ही जवाब दीजिए। हमने 100 लोगों से पूछा एक लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता है। कि वो अपना वॉलेट भूल जाए। जिस वॉलेट के अंदर के सारे क्रेडिट कार्ड लूट लिया मेरे भाई के इसने। लड़का अपना वॉलेट भूल जाए। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। खास तौर पे अगर कुसुम जैसी यानी इशिता जैसी लड़की हो तो अगर आप वॉलेट भूल गए तो लड़की भी भूल जाओ। एग्जैक्टली। घूम कर हम आए हैं एक बार फिर डायरेक्टर लव के पास। सेम क्वेश्चन टू यू, 5 seconds, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो। लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाए। ये जवाब तो एकदम प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर के जहन से ही आ सकता है, मुझे न जाने क्यों अगले फिल्म की स्क्रिप्ट यहां बनती नजर आ रही है। लेकिन क्या ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। मैं केवल ये बोलने के लिए आया हूं कि तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो, एक बार पंक्चर हुआ तो मैं आऊंगा एकदम। ऑलराइट,
अब एक और रेड नहीं आना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी कांट. सो वी टू डिस्कस दिस. नहीं तुम नहीं कर सकती है. अरे रुको, नुसरत की बारी है. प्लीज नुसरत की बारी है. हाँ चलो उसका प्लीज. नहीं कोई कुसुर पुसुर नहीं. ये देखो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे वो कर सकते हैं. क्यों? ये गेम का रूल्स है यार इसकी. लेकिन उन्होंने तो बजर भी नहीं. अच्छा नहीं सर बाप आप सुनो सुनो. हाँ पूछो नुसरत. हाँ केवल आपको जवाब देना है. ऑलराइट यू आर अंडर प्रेशर चिकू. थिंक अबाउट इट. हमने 100 लोगों से पूछा एक लड़के के साथ डेट पर क्या गलत हो सकता है. गो. उसकी आपको मौका मिलेगा जवाब देने का. सेकेंड फोर्थ या सिक्स्थ ये जवाब होना चाहिए. मैं सबसे पूछ रहा हूँ लेकिन अभिषेक योर कॉल. आप फाइनल डिसीजन लेंगे. सनी आपका जवाब क्या होता है? मेरा ये है कि लड़की मीटिंग का बहाना बना के वहां से निकल. ऑल राइट ओंकार. लड़की का फादर या ब्रदर टर्न अप हो जाए. फैमिली रिलेटिव कोई टर्न अप. लड़की का बाप भाई अगर वहां पर पहुंच गया तो. कार्तिक योर आंसर. आपके ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करें. गलत क्या हो सकता है आपके ड्रेसिंग सेंस पे गलत. ओके अभिषेक इनमें से कोई जवाब या आई थिंक रिलेटिव और बाप भाई कोई आ जाए तो. हिंदुस्तान भर के लड़के इस वक्त आपको देख रहे हैं और यही कह रहे हैं भाई है तू मेरा. जो कहेगा ना दिल से कहेगा. अभिषेक यानी प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि लड़की के बाप भाई का आ जाना. अगर ये जवाब हुआ बबली की प्लेलिस्ट में लड़कियों ने जो कुछ भी कमाया है हो जाएगा बॉयज का. बबली लेट्स गो फॉर इट. ऑलराइट आप मुझे बायस कह सकती हैं कि मैं बॉयज की तरफ यहाँ पे बड़ा खुश हो रहा हूँ लेकिन बबली इज डेफिनेटली ऑन योर साइड. लेकिन उसे भी ये 40 के 40 पॉइंट देने हैं अभिषेक की टीम को. अच्छा बाकी आंसर्स पता नहीं चलेंगे. देखो नुसरत ने पूछा बबली तुम्हारी सहेली आई है चीकू पूछ रही है तुमसे कुछ पूछ रही है कि बाकी के जवाब बताओगे कि नहीं. चौथा मोस्ट पॉपुलर जवाब. सबसे बड़ा डर यह रहता है कि भाई मैं जाऊंगा बैठूंगा रिजेक्ट हो जाऊंगा. चलो कोई बात नहीं यार. लेट्स फाइंड आउट सेकंड मोस्ट पॉपुलर जवाब. ओ यार कि भाई ये डेट आई नहीं. चलो कोई बात नहीं पैसे तो बच गए. तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन. भाई पहले सवाल के बाद अब अभिषेक की टीम पहुंच गई है 40 पॉइंट्स पे जहां लव की टीम ने अभी तक खाता भी नहीं खोला है. मगर गर्लफ्रेंड के मूड की तरह हमारे स्कोर बोर्ड को चेंज होते देर नहीं लगती. लेट्स फाइंड आउट अब किसकी बारी है. कार्तिक एंड नुसरत लेट्स प्ले फैमिली फॉर्चून. एक बार वैसे चीकू कर बुला देना. कैसे तू बुलाता था इसको अपने फिल्म में. चीकू आई लव यू चीकू. आप दोनों की जो जुगलबंदी है फिल्म के अंदर वो फिल्म के शुरू होने के पहले हाउ लॉन्ग डिड यू गाइस स्पेंड टुगेदर टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री. यार 4 इयर्स. सबसे अनकॉमन जवाब 4 इयर्स. एक्चुअली ये सवाल मैं 100 लोगों से नहीं पूछूंगा. खैर उसरत तुम्हारा सवाल ये है कि जब कार्तिक आपसे फिल्म में पहली बार मिलता तो अपना फोन नंबर देता है आपको. वो फोन नंबर बताइए. मोदी. मुझे नंबर नहीं पता उसका. अच्छा सॉरी सॉरी. चलो ठीक है सर रिलैक्स. दैट वाज नॉट द क्वेश्चन. खैर अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 6 जवाब. ये रहा आपका सवाल. गेट रेडी. हमने 100 लोगों से पूछा कौन से प्रोफेशन में खूबसूरत दिखना जरूरी होता है. पहले मैंने दबाया था. See, I told you it's not working. मेरी बबली मेरी बबली को मत मारो. Not fair. I'm pressure में डांस हो रहा है. नुसरत नुसरत ये बदरा वो मार डालेगी तुम्हें यार. इस बचाओ मेरी बबली को. सुनो चिकू मेरी बात सुनने की कोशिश करो. चांस है इसने अगर कुछ भी गलत बोला ना आपके पास. मैंने जवाब बोल दिया ना वो कोई कॉपी करेगा. अच्छा वो मत देना. नहीं मैं बिल्कुल कॉपी नहीं करूंगा. बिल्कुल नहीं करूंगा. कार्तिक आएगा यार. कौन से प्रोफेशन में खूबसूरत दिखना जरूरी है. अरे नहीं बोल रहा वो. मैंने सुना तक नहीं था. एक्टिंग. अरे पिटाई हो गई. कार्तिक ने कहा बहुत ही ओरिजिनल जवाब. एक्टर. देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर. ए नुसरत तू एक कदम आगे ना इससे. एक कदम आगे. नंबर वन जवाब दे दो. मैं तुम लोगों को ऐसे बैठ के बकायदा. विच प्रोफेशन ना. कौन से प्रोफेशन में खूबसूरत दिखना जरूरी होता है. फैशन मॉडलिंग.
प्रोफेशन इज फैशन व्हाट यू डूइंग इज योर मॉडल भाई तेरा जवाब अगर टॉप जवाब हुआ ना मैं तुम लोगों को सामने झुकता ठीक है पब्लिक बता दे यार Ladies, thank you. Sonali, all right, आपकी बारी. हमने 100 लोगों से पूछा कौन से profession में खूबसूरत दिखना जरूरी होता है. Air hostess. टिंग टिंग. इसमें लड़का लड़की दोनों है ना? हाँ, बिल्कुल. Air hostess का job जहाँ पे आप चाय लेंगी, yes. कि आप कॉफी लेंगी. खैर, देखते हैं. ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर. बहुत कुछ अगला सोनाली बाय एनी चांस अगर आप एयरलाइन में होती एयर होस्टेस होती हाउ वुड यू हैव सर्वड एनीथिंग सेम चीज भाई सनी को वहां पर आप पूछिए चाय या कॉफी के लिए सर वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर यस आई वुड ठीक है खैर आगे बढ़ते इशिता सेम क्वेश्चन टू यू 5 सेकंड्स गो रिसेप्शनिस्ट पब्लिक की प्लेलिस्ट पर बहुत बढ़िया नॉट बैड 5 सेकंड्स कौन से प्रोफेशन में खूबसूरत दिखना जरूरी होता है मुझे दो जवाब चाहिए स्पेसिफिक एंकरिंग लेट्स फाइंड आउट भाई अगर ये नहीं हुआ बबली बताओ ना ये जवाब है नहीं बबली ये तो होना ही पड़ेगा बबली नहीं तो मंत्रा को बुरा लगेगा कई बार तो ऐसी हालत होती लव साहब इनकी तो पिक्चर सुपर हिट हो गई कई बार पिक्चर पिट जाती है किसी कई लोगों की वहां पे बिगाड़े रहते सर आपकी पिक्चर फ्लॉप हो गई कैसे लगे हमने वाला पता कैसा क्या लग रहा है खैर भाई नुसरत कौन से प्रोफेशन में खूबसूरत दिखना जरूरी होता है सेक्रेटरी ओके लेट्स फाइंड आउट ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर सोनाली सेल्स गर्ल सोनाली बेटर बी देयर लेट्स बी देयर लेट्स फाइंड आउट बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब It's okay, so thank you बोलने की ज़रूरत नहीं, it's perfectly all right. क्या बात है, क्या बात है? हाँ, प्यार का पंचनामा पार्ट टू अपने सिनेमा घरों से निकलकर आज फैमिली फॉर्च्यून्स के सेट पर पहुंच गया है. यहाँ पर भी जंग जारी है, कभी किसी का पलड़ा ऊपर, कभी किसी का भारी है. टीम अभिषेक ऑन 40 पॉइंट्स एंड टीम लव विद अ ब्यूटीफुल लेडीज ऑन 96 पॉइंट्स. भाई गर्लफ्रेंड ने की एक्सपेंसिव विश, कोई नहीं है ट्रबल क्योंकि आगे होने वाली है डबल मनी की विश. आई विल बी बैक इन अ ब्लिंक विद डबल मनी सो स्टे ट्यून्ड ऑन फैमिली फॉर्च्यून्स. ये जवाब है मदर डोंट चीट. सीरियसली यार आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं. आई कैन नॉट बिलीव आई वाज राइट डू यू अंडरस्टैंड यू शुड बी राइट. हमने 100 लोगों से पूछा ऐसा क्या है जो आप अपनी गोद या लैप पर रखते हो. Welcome back to Family Fortunes. लफड़े झगड़े पंगे वंगे तो होते हैं in every couple. इन्हें रखो aside for a while क्योंकि अब money होने वाला है double. Rules वही, बस points होंगे दुगने और double money के लिए अब मैं बुलाना अरे भाई ये तो pairing आगे पीछे हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. दोनों सोनाली विशिता इधर ओमकार. यार ऐसा करें, आप लोगों ने एक दूसरे को बड़ा moral support दिया है फिल्म में, तो यहां पर भी एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देने के लिए दोनों ही आ जाओ यार, दोनों जोड़ियां आ जाओ. सोनाली इशिता ओमकार सानी, लेट्स प्ले डबल मनी. भाई आपकी जो ये
जोड़ी जो डबल जोड़ी है ने तो यहाँ पर धमाल मचा दिया, पर सच्ची सच्ची पता ना सनी रियल रियलिटी में भी ये वैसे ही परेशान कर रहे। मैंने कहा परेशान किया, मेरे पेरेंट्स ने किया, आई वाज सो स्वीट। बहुत बढ़िया। और ओमकार और इशिता, वो जो आपने फिल्म के शुरुआती हिस्से में फर्स्ट हाफ में जो वो नृत्य कला का प्रदर्शन किया था, वो नृत्य कला के प्रदर्शन के बाद आपको मालूम है क्या कुछ नहीं हो रहा था वहाँ सिनेमा हॉल के अंदर? क्या हो रहा था? अरे भाई काफी गरम कर दिया था माहौल। Can you see a couple of those moves, please, if possible? उसके लिए हमने पूरी फिल्म बनाई है, तो हम चाहते हैं कि आप जाके फिल्म देखें। अच्छा ओमकार, तो डांस करने से मना कर सकता भाई, गाना गाने से मना नहीं कर सकता। आपने अपने करियर में एक फिल्म के लिए गाना भी गाया है, am I right, as a child artist? नहीं गाया नहीं है, मैंने उस पे परफॉर्म किया था। परफॉर्म किया था as an actor, और वो था छोटा बच्चा। जी। और छोटा बच्चा इतना बड़ा हो गया, सिक्स पैक एब्स आ गए उसकी। अगर वो गाना बजता छोटा बच्चा और वही वाला डांस करना होता तो कैसी हालत होती भाई? भाई a lot of people have seen Omkar grow up from that sweet छोटा बच्चा to this hunky dory guy. जोरदार तालियां for these amazing talented people. चलो भाई सनी ओमकार आप साथ में चाहो तो बजर भी साथ में दबाना, इशिता सुनाली आप भी साथ में। हम जो सवाल आपसे पूछने वाले हैं हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 5 जवाब। थैंक यू बबली। ऑल राइट, याद रखना डबल मनी यानी कि जितने भी पॉइंट्स उतना डबल स्कोर। ऑल राइट सोनाली और सनी आप ही बजर दबाएंगे, रेडी रहिएगा। हमने 100 लोगों से पूछा ऐसा क्या है जो आप अपने गोद या लैप पर रखते हो? बबली डोंट वरी मैं तुम्हें बचा लूंगा। ए, हाँ तुम दोनों आपस में कर सकते हो। टॉप जवाब नाउ क्विकली सोनाली गो। बेबी लेट्स फाइंड आउट ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। ओके सनी ओमकार सनी योर चांस। तकिया। लेट्स फाइंड आउट ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। Got it, bro. इसका मतलब ये कि ये राउंड आगे बढ़ा रहे हैं द बॉयज। चल सनी आजा भाई, आइए आइए आइए। ऑल राइट वंडरफुल भाई, 3 जवाब या 3 पंचर किसका नंबर लगेगा? अभिषेक बारी आपकी, यू आर द प्रोड्यूसर भाई, थोड़ा प्रोड्यूसर के दिमाग से सोचो ऐसा क्या है जो आप अपने गोद या लैप पर रखते हो? लैपटॉप। सोचा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लैपटॉप ऑन बबली प्लेलिस्ट। नंबर 1 जवाब, नंबर 1 जवाब। कार्तिक भाई यार जवाब बाद में, यार तू वो डायलॉग सुना दे जो पूरी दुनिया सुनना चाहती है, हमारे कंट्रोल रूम से, हमारी ऑडियंस से, हमारी जनता जो हमको इस वक्त टेलीविजन पर देख रही है बोल रही है भैया आया है आयुष तो डायलॉग सुना के जाएगा। अच्छा बाय द वे कार्तिक, क्या आपको मालूम है कि इस वक्त यूट्यूब पर चारों तरफ आपके जवाब के जवाब में लड़कियां जवाब दे रही हैं? बहुत सारी लड़कियों ने कमाल कर दिया है। बहुत कुछ, तो एक बार उन्हीं के लिए हो जाए। प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये सब लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वर्डेड यार, इसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इज इन दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। भाई कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, क्या की कुछ। एवरीबॉडी राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी ऑन द सेट। भाई लोगों के जैसे लोग अपने प्रभु की वो श्लोक वो पढ़ते हैं ना, हम लड़कों का एक कार्तिक चरितमानस टाइप का होने का बहुत जल्दी, प्यार का पंचनामा चरितमानस। बहुत खूब। ऑलराइट कार्तिक बैक टू यू, 5 सेकंड्स। हमने 100 लोगों से पूछा ऐसा क्या है जो आप अपनी गोद या लैप पर रखते हो? हाथ। यही जवाब है भाई, ऑपोजिशन ने बोल दिया हाथ। कार्तिक नहीं नहीं, आपके पास आगे मौका। कार्तिक ने कहा हाथ, बबली की प्लेलिस्ट पर। ओमकार आपकी बारी, थाली खाने की थाली। लेट्स फाइंड आउट ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। All right, guys, remember, आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बट गर्ल्स अपना फेवरेट काम कर लो, खुशुर पुशुर। ओके सनी, हियर इज योर क्वेश्चन। हमने 100 लोगों से पूछा ऐसा क्या है जो आप अपनी गोद पर रखते हो? बुक। पब्ली बुक ऑन योर प्लेलिस्ट।
फर्स्ट सर आपको एक ही चांस मिलेगा लेकिन मैं पूछूंगा सबसे जवाब आपको डिसाइड करना कौन सा एक जवाब है आपस में आप डिस्कस कर चुके हैं इशिता अगर आप होती तो क्या कहती है फोन फोन सोनाली आप होती तो क्या कहती है बैग नुसरत लड़की लव इनमें से कोई जवाब या आपका खुद का 5 seconds गो बैग अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ होगा और अगर बाकी की लड़कियों का दिया हुआ कोई सा भी जवाब जो लव ने नहीं पिकअप किया वो अगर हुआ सर को पीट देंगे तो जो भी लव का होगा वो इसके बाद ही मालूम पड़ेगा बबली की प्लेलिस्ट पे वी आर लुकिंग फॉर अ बैग क्विकली लेट्स फाइंड आउट बबली की प्लेलिस्ट पे नंबर 3 जवाब लड़कियों तुमसे मैं उम्मीद थी कि कम से कम तुम तो अपनी कुछी पेट के बारे में बात करोगी एंड लव बेस्ट ऑफ लक बिकॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर जवाब इज व्हाट द हेल आई कैन नॉट बिलीव आई वाज राइट डू यू अंडरस्टैंड यू शुड लिसन टू मी मैंने बोला था लड़की व्हाट द बेस्ट पार्ट इज हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है दिस इज अमेजिंग लेडीज एंड जेंटलमैन इसका मतलब ये कि आज बिग मनी खेलने के लिए पहुंच रहा है द बॉयज एंड गर्ल्स भाई आपने तो जो कमाल कर दिया आज यहाँ पे ऐसी नजरों से ना देखो प्यार हो जाएगा और बच्चियों आपने अब तक जितना कुछ कमाया है लेट मी क्विकली टेल यू हमारे पास है ना 4,800 के प्राइजेस और 12,000 का कॉन्सोलेशन प्राइज कॉन्ग्रेचुलेशन दैट्स ऑल यू विल मेक टुडे वेरी वेल डन तालियां यानी कि अब जैकपॉट की तरफ भाई लोग आएंगे लेकिन डिसाइड आपको करना है कि हुआ द टू भाई लोग जो यहां पर जैकपॉट खेलने यानी बिग मनी खेलने आएंगे आई नीड ओनली टू प्लेयर्स तो बताइए कौन से दो महानुभव हैं जो यहां पर हमारे साथ खेलेंगे आई थिंक कार्तिक एंड ओमकार विल कम सो आइए कार्तिक एंड ओमकार लेट्स प्ले बिग मनी भाई गोरी के गाल का तिल बड़ा और उसकी शॉपिंग का बिल बड़ा लेकिन दोनों लगेंगे छोटे क्योंकि सामने है जैकपॉट खड़ा सो स्टे ट्यून्ड फॉर बिग मनी ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून ट्रैफिक में फंसे लोग क्या करते हैं किस प्रोफेशन में जान का खतरा होता है क्या हुआ है फालतू पेड़ खजूर बड़ा तो है बिग मनी जो लाया है जैकपॉट हुजूर वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स 5G की स्पीड से आएंगे 5 सवाल क्योंकि ये है बिग मनी और बिग मनी के जाल में 30,000 का जैकपॉट पकड़ने के लिए ये दोनों रेडी है लेकिन उसके लिए दोनों को मिलकर 200 पॉइंट्स बटोरने होंगे तो 200 पॉइंट्स की दौड़ में कार्तिक ओमकार आपको डिसाइड करना है कि आप में से पहले कौन खेलेगा पहले मैं खेलता हूँ पहले ओमकार खेल रहा हाँ। भाई कार्तिक बाहर वो प्यार के पंचनामा पार्ट 3 की शूटिंग चालू हो गई देखते हैं कि अब ओमकार अकेले कितने पॉइंट्स कमा पाते हैं ऑलराइट ओमकार रेडी यस लेट्स प्ले बिग मनी लेट्स डू इट ओमकार 25 सेकंड का समय है आपके पास 25 सेकंड में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा अगर किसी भी समय आपको कोई भी सवाल स्किप करना हो तो आप पास कर सकते हैं अगर अंत में समय बचेगा तो मैं आपसे वो सवाल दोबारा पूछने आऊंगा कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की सो दैट आप 200 पॉइंट्स के करीब पहुंच पाएं ओके 500 सवाल एक साथ आएंगे 500 सवाल बैक टू बैक रैपिड फायर है ऑलराइट 200 पॉइंट्स की दौड़ में आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर ओके और ये रहे आपके सवाल कौन सी चीज आपके माँ बाप आपको बड़े होने के बाद भी देते हैं प्यार चोर किसे देखकर भाग जाता है मालिक ट्रैफिक में फंसे लोग क्या करते हैं ट्रैफिक लोग मोबाइल फोन पे गेम खेलते हैं या किस प्रोफेशन में जान का खतरा होता है
पुलिस सर्विस और एनीथिंग। आर्मी, आर्मी। बिना दांतों वाला व्यक्ति भी मजे से क्या खा सकता है? बिना दांतों वाला व्यक्ति मजे से क्या खा सकता है? सरलैक जूस। टाइम अप। मैं आपका जवाब इंक्लूड करूंगा। आपने कहा सरलैक, जो जो आपने फर्स्ट वर्ड्स आपके मुंह से निकले वही मैं जवाब ले रहा हूं, और उन जवाबों को अब मैं बबली की प्लेलिस्ट में डालूंगा। भाई चल देखते हैं क्या गुल खिलाया तुझे। आजा आजा आजा। ऑलराइट ओमकार भाई, बबली ने आपके जवाब सुने, अब वो आपको बताएगी कि कितने लोग आपसे सहमत है। बबली प्लेलिस्ट ओपन करें प्लीज। चलिए भाई, सबसे पहले हमने आपसे पूछा था कौन सी चीज आपके माँ बाप आपको बड़े होने के बाद भी देते हैं। आपने इमीजिएटली कहा प्यार। बबली की प्लेलिस्ट पे ये है, लेकिन सर्वे ने कहा। अगला सवाल, चोर किसे देखकर भाग जाता है? आपने कहा मालिक को, आपने कहा ओनर, हमारे सर्वे ने कहा। मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, हमारे सर्वे ने कहा। दो जवाब और, किस प्रोफेशन में जान का खतरा होता है? आर्मी, आर्मी, आर्मी। आपने कहा था आर्मी, या हमारे सर्वे ने कहा। सौ के करीब, जितना करीब हो जाए उतना कार्तिक के लिए आसान रहेगा। बिना दांतों वाला व्यक्ति भी मजे से क्या खा सकता है? आपने कहा सेरेलैक, बात भी सही है। हमारे सर्वे ने कहा। लोग कहते हैं कि आदमी बुजुर्ग होने के बाद फिर से बच्चा हो जाता है, तो अगर वो बच्चा हो ही जाता तो सेरेलैक क्यों नहीं खा सकता? खैर बात बराबर है। 76 पॉइंट्स, यानी कि अब कार्तिक को यहां पर आके 124 पॉइंट्स कमाने होंगे ये जैकपॉट जीतने के लिए। लेट्स सी वेदर ही कैन डू इट और नॉट। ओमकार आइए। तो चलिए भाई, लेट्स कॉल कार्तिक ऑन द फ्लोर। ऑलराइट कार्तिक, लेट्स प्ले बिग मनी। भाई आपको जानकर खुशी होगी कि ओमकार ने 76 पॉइंट्स कमा लिए हैं, यानी कि आप पर डबल प्रेशर है। 124 अंक कमाने हैं आपको, 124 टू रीच 200 टू विन द जैकपॉट। अरे मैं 200 कमा लूंगा। मैं आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, 30 सेकंड्स, वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा जवाब देते हैं जो ओमकार पहले दे चुका तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब है आपको अपना जवाब बदलना है, यू हैव टू गिव अनदर आंसर। ओके, ऑलराइट, ओके। किसी भी सवाल का जवाब अगर आप ना देना चाहें स्किप कर सकते हैं, पास करिए। अगर अंत में समय बचेगा मैं आपसे वो सवाल दोबारा पूछने आऊंगा। 200 पॉइंट्स के लिए आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर, और ये रहे आपके सवाल। बेस्ट ऑफ लक। कौन सी चीज आपके माँ बाप आपको बड़े होने के बाद भी देते हैं? पैसा। चोर किसे देखकर भाग जाता है? ओनर को, घर के मकान मालिक को, पुलिस को। ट्रैफिक में फंसे लोग क्या करते हैं? लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं। किस प्रोफेशन में जान का खतरा होता है? गैंगस्टर। बिना दांतों वाला व्यक्ति भी मजे से क्या खा सकता है? टाइम अप, टाइम अप। कार्तिक यू कुड नॉट मेक इट, आप आखिरी सवाल तक नहीं पहुंच पाए। चार सवालों का जवाब देकर क्या आप 200 के आसपास पहुंचे? लेट्स फाइंड आउट। Alright, बबली जरा अपने दोनों प्लेलिस्ट ओपन करें। कार्तिक ये वो जवाब है जो ओमकार ने दिए थे, जिसको 76 पॉइंट्स मिले हैं टोटल। अब देखते हैं आपके जवाब आपको कहां लेकर जाते हैं। हमने सबसे पहले पूछा कौन सी चीज आपके माँ बाप आपको बड़े होने के बाद भी देते हैं, आपने कहा पॉकेट मनी, पैसा। हमारी सर्वे ने कहा। आज मैं आपको बता दे ओमकार, आपने जो जवाब दिया था लव, दैट इज द टॉप आंसर। चोर किसे देखकर भाग जाता, आपने पहले कहा ओनर, फिर आपने अपना जवाब बदल के कहा पुलिस, हमारे सर्वे ने कहा। पुलिस इज द टॉप आंसर, वेल डन। दो टॉप आंसर्स मिल चुके हैं हमें। ट्रैफिक में फंसे लोग क्या करते हैं,
कार्तिक इतना समय बिता चुके हैं लड़कियों के साथ कि वो उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। उन्होंने कहा लिपस्टिक लगाना, मेकअप, और हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे गाने सुनना इज द टॉप आंसर। नहीं आता वो एकदम जबान के टिप पे। मुझे ऐसा लगा था वो गाने सुनना ओमकार बोल दिया होगा। मैं चेंज कर रहा था पहले से। कार्तिक आपने 5 में से केवल 4 जवाब दिए हैं, यानी जो भी आपको इस जवाब में मिलेगा वही आपका फाइनल स्कोर है 138। जैकपॉट के लिए आप 62 पॉइंट्स दूर हैं। ऐसा कौन सा जवाब है जो 62 पॉइंट आपको दिला पाएगा? किस प्रोफेशन में जान का खतरा होता है? आपने कहा गैंगस्टर, और हमारी सर्वे ने कहा By the way, police is at the top answer. Well done, boys. Back to. Come. Join me here. बहुत ही शानदार तरीके से boys ने अपना ये game यहाँ पर खेला। But unfortunately, jackpot जीत के जा नहीं रहे हैं। जितने points आपने कमाए हैं उसके अनुसार आप जीतते हैं 22,300 के prizes. Well done. भाई जैकपॉट भले ही इनके हाथ ना लगा हो, लेकिन जिनके हाथ तो इतनी खूबसूरत लड़कियां लगी उनको तो जैकपॉट मिल गया समझो। लेट्स कॉल दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स फ्रॉम प्यार का पंचनामा पार्ट 2 एंड द डायरेक्टर लव रंजन। आइए आइए आइए, ये लड़कियां बड़ा मिस कर रही थी आपको। यही फिल्म के एंड में भी हमको देखने को मिला। बस इनकी जोड़ियां ऐसी सलामत रहे यही हम दुआ करते हैं। गर्ल्स आप लोगों ने 16,800 जीते थे, टोटल 39,100। ये पैसा मैं एक्चुअली डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछूंगा, आप क्या करना चाहेंगे इसका? सीन कैथरीज होम करके एक संस्था है जो वीरा देसाई रोड पे है, जो बच्चों का, छोटे बच्चों का, मतलब वहाँ पे आपको 6-6 महीने के, 8-8 महीने के छोटे बच्चे भी मिलेंगे और 15-16 साल के बच्चे भी मिलेंगे। उनका ख्याल रखा जाता है। हाँ, उनका ख्याल रखा जाता है, उनके खाने पीने का, रहने का, पढ़ाई का, मतलब वो शादियाँ भी कराते हैं। It's wonderful. तो पूरी परवरिश आपने जोड़ियां बनाई, यही कमाल की जोड़ियां बनाई है आपने। एंड व्हाट अ नोबल कॉज, थैंक यू सो मच लव अभिषेक एंड द एंटायर टीम ऑफ प्यार का पंचनामा पार्ट 2। भाई बिग मनी का सामना हो गया, प्यार का पंचनामा हो गया, इसके बाद तो कहानी में बस एक ही मोड़ आता है, हो गई है नाइट। ओके बाय बाय टाटा टेक केयर। लेकिन जवाबों का पंचनामा करने के लिए मिलते रहिए विद फैमिली फॉर्च्यून। Woo!